पेटिशनर कुमार लक्ष्मी, पेटिशनर कुमार लक्ष्मी, पेटिशनर कुमार लक्ष्मी, पेटिशनर कुमार लक्ष्मी। सब लोग प्रेजेंट है ना? यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड प्लीज। लक्ष्मी, जो कहा था सब याद है ना? क्या इरादा है आपका? मैं अपनी बीवी के साथ इस शादी को निभाना चाहता हूँ जज साहब। इसमें आपका क्या कहना है? जज साहब, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा होगा मैं मर जाऊँ। शराब पीकर तुम्हें मारता है? बहुत पीता है, बेहोश होने तक पीता है, फिर मुझे बहुत मारता है। सेक्स टॉर्चर वाला बताओ। ये तो भूल ही गई, सेक्स टॉर्चर करता है ये, सुबह शाम इसे बस एक ही चीज चाहिए होती है। सर झूठ बोल रही है। जज साहब, इनके सारे इल्जाम झूठे हैं, मेरे क्लाइंट एक शरीफ इंसान है। शराफत का नकाब दुनिया के लिए होता है, मगर घर के अंदर क्या होता है किसको पता जज साहब। नेक्स्ट हियरिंग ऑन मार्च 16th। सर जी, मेरा डाइवोर्स हो जाएगा ना? मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? मेरे बॉस को किसी भी तरह की जोड़ी पसंद नहीं है, वो अपने मोजे भी साथ नहीं रखते। आपका डिवोर्स तो होकर रहेगा, दूसरा पार्टनर ढूंढ लीजिए, कोई अच्छा ना कोई मिल ही जाएगा। 700, 800, 900। मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरा नाम अनूप सामी। तो मैं क्या करूं? वकील प्रकाश राज से मिलना चाहता हूं। ओह, तो मैं क्या बोलता? अनंत सामी, मिस्टर अनूप सामी। किस परिवार की वाट लगानी है? किसी परिवार का वाट नहीं लगाना है, परिवार शुरू होने से पहले अलग करना है। कुछ समझा नहीं। प्रेमी पंछी को अलग करना है। प्रेमी पंछी? सर आपको एक बात बोलूं, ये काम तो मेरे बॉस के बाएं हाथ का खेल है, आपको कैसे पता चला? सर जज का ड्राइवर मेरा लंगोटिया यार है। प्रकाश जी को मैं कब मिल सकता हूँ? पहले आप मेरी सुन लीजिए, ये नाका बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए ठेके पे जाना होगा। शाम को 7 बजे हेरोज बार पे आ जाना, मैं उस्ताद को वहीं ले आऊंगा, बात कर लीजिएगा। कसम देकर भस्म मत कर दीजिएगा बाबा। पता नहीं और कितना ड्रामा करना पड़ेगा। साहब जी, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बताइए। अच्छा बताता हूँ साहब जी, मैं हूँ अनूप स्वामी, मेरी किराने की दुकान है, मैं एक बहुत सीधा साधा ईमानदार आदमी हूँ। हाँ तो हम भी तो सीधे साधे और ईमानदार लोग हैं, जल्दी से पैसे निकालो और काम बोलो। हाँ बताइए। साहब मेरी बेटी एक ऐसे नालायक से प्यार करती है जो उसके लायक नहीं, मैं चाहता हूँ आप ये रिश्ता ब्रेक कर दीजिए। लड़का कौन है, कहाँ रहता है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। मैं उस लड़के का नाम पता नहीं जानता, पर गोरेगांव बस स्टैंड के पास दोस्तों के साथ घूमता रहता है, मुझे सुनने में आया है कि वो एक नंबर का लफंगा है। साहब ये है पेरिस जयराज, इंडिया का लेटेस्ट यूट्यूब सेंसेशन। आमतौर पर यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स को प्यार देते हैं, लेकिन पेरिस तो अपना दिल ही दे बैठा है। इसका रिकॉर्ड है, एक गाना गा दिया तो लड़की सेट होनी ही होनी है। जितने लोग इसे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं उससे ज्यादा लड़कियों को ये पर्सनली फॉलो कर चुका है। ये देखिए इसकी लेटेस्ट ड्रीम गर्ल, लेकिन क्या ये पेरिस को सब्सक्राइब करेगी? आजकल की लड़कियों का लफंगे लड़के ही ज्यादा पसंद है। क्या उससे इतना प्यार करती है वो? ए, कौन से कलर की ड्रेस पहनी है? पिंक कलर। अच्छा दिखाओ मुझे। अच्छी दिख रही हो ना? तुम्हारे पीछे वो कार्टून कौन घूम रहा है? ओ पापा। आपकी बेटी मम्मी की लड़की है या पापा की लड़की? पापा की बेटी है साहब। ठीक है सुनो, मैं जो कहूँ वो करो। पापा वो व्हाइट टी शर्ट, बाइक पे जो बैठा है ना पापा वो। मैं अपने होने वाले दामाद से बात करता हूँ। पापा तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी, तुम एकदम चिंता मत करो, ठीक है? एक बाइट लेगा? नहीं भाई, मैंने सुबह 4 आलू के पराठे खाए थे, वही अभी तक पेट में गुड़गुड़ कर रहे हैं। इंसानों की तरह खाया कर, अजगरों की तरह नहीं। माफ कीजिएगा, मैं कुछ मांगू तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? चाचा आज मांगोगे तो दे भी दूंगा, पर रोज रोज आके मांगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। छोटे भाई मैं समोसे की बात नहीं कर रहा था। मैं भी मजाक कर रहा था, मैं किसी को अपना समोसा नहीं देता। बोलो बात क्या चाचा? यहाँ काफी भीड़ है, बोलूं क्या? अरे ये एक ही है, दूर से देखो तो लगता है भीड़ खड़ी है। बोलिए बोलिए। किसी लड़की का फोटो बताओ ना। क्या? मैंने सुना है तुम लड़की अरेंज करते हो।
लड़की आर्टिस्ट और दलाल में फर्क नहीं समझता क्या? इस उम्र में ये शौक पाल के रखा है तूने, शर्म नहीं आती? देखो देखो कैसे भाग रहा है पापा। आप इनकी बेटी हो? पापा क्या हुआ था? अब क्या बोलूं बेटी, इन्होंने बड़ी शराफत से पूछा कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो अपने माता पिता के साथ रिश्ता लेकर आओ, मेरे घर में तभी बात बनेगी। इतना बोलते ही वो लड़का मारपीट पर उतर आया और बोला तुम्हारी बेटी के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, शादी वादी के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। यही बोल के मारने लगे इनको, इनकी उम्र का लिहाज तक नहीं किया। गुंडे मवाली कहीं के। अच्छा हुआ जो शादी से पहले उसका रंग सामने आ गया। बताओ तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो? भाई तेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि तू इस नल्ले बार में आकर दारू पी रहा है। तो बोलना यार, ये लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। अचानक उसने मेरे कॉल्स ब्लॉक कर दिए। मैंने खुद जाके पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। तो बोलती अगले महीने शादी है, मेरा पीछा छोड़ दो। किसी ने बीच में कुछ झोल किया है। मुझे भी लग रहा है। ये बंदर साहब यहाँ पर भी आ गया। साहब मेरी लड़की की शादी की तारीख फिक्स हो गई है और इस शादी का पहला कार्ड मैं आपको देने आया हूँ, ये लीजिए। पूरे परिवार के साथ बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। साहब वो लफंगा। कौन लफंगा? ये जो मेरी बेटी से इश्क करता है साहब। तो वो आदमी ये है जिसने मेरी जिंदगी में जहर खोला। पीर की बाटली लेकर आ रहा है। अरे घबराइए मत, मुझे मारने के लिए इसी तरफ आ रहा है। साहब वो पहुंच के आपके पीछे है। जयराज पापा। कुछ महीनों बाद ढक्कन। किसको बोला बे? मुझे नहीं, तेरी बाटली को बोला। कौन है ये? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। पैरिस जयराज कहाँ मिलेंगे? मैं रहता नहीं हूँ, पता नहीं। मैडम जाइए। अब आ गई हो मेरी गली। लोगी चने या मूंगफली? हमें पैरिस जयराज से मिलना है। वो तो अपना भाई है। पर ये बताओ तुम कहाँ से आई है? क्यों तुम्हें क्या करना है? लड़की नखरे वाली है और इसकी बहन मेरी होने वाली साली है। मैडम देखो ये हमारा इलाका है, आप प्यार से पूछ रही है तो मिलवा देता हूँ उससे। आ जाओ फॉलो मी, कम ऑन। भाई ये लड़कियां तुझे ढूंढ रही है। मैं क्या कहीं खो गया हूँ जो मुझे ढूंढ रही है? तुम लोगों को बोला था ना सुंदर लड़की से एलर्जी है मेरे को, भगाओ ना भगाओ। आप हमारे कॉलेज के फेस्ट में गाना गा सकते हैं प्लीज। हाय। जहां तक गाना बजाने की बात है वो सब मैं छोड़ चुका हूं। मैंने संगीत से ले लिया है संन्यास, क्योंकि जिंदगी में अब कोई मजा नहीं रहा है। मेरे ये मजबूत पैर सिर्फ वाइन शॉप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेज की तरफ कभी नहीं। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, लोगों को आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब लगता है कि डिप्रेशन की वजह से आप पियक्कड़ बन चुके हैं। आप कितने स्मार्ट और हैंडसम हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ प्लीज, बुरा मत मानिएगा, प्यार ना समंदर किनारा नहीं है, वो तो लहर जैसा है। अगर एक जाएगी तो दूसरी आएगी जरूर, और ये हमारे हाथ में होता है कि किस लहर में अपने पैर गीले करने हैं। सोचिए आपकी कोई जैकेट है, अगर फट जाए तो सिलवा सकते हैं, लेकिन अगर खो जाए तो नहीं लेनी पड़ेगी। वैसे ही प्यार भी दोबारा हो सकता है। सही कह रही है, लहर होगी तो पैर गीले होंगे और सुनामी के बाद तो पूरे ही भीग जाओगे ना। मुंह मत खोलना, कभी मत खोलना। हीरोइन की चमची जबान के झाड़ू से हीरो का दिमाग साफ करेगी। ए पंटर, ये म्यूजिक कौन बजा रहा है? झाड़ पे कोई है क्या? वैसे उसने तो शादी भी कर ली, तो फिर आप क्यों प्यार में रो रहे हैं? ए, तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता? लड़कियां हैं, छोड़ो ना भाई। प्यार ने एक दिन कहा, पापा की तबीयत खराब है, मम्मी उन्हें हॉस्पिटल ले गई है, मैं घर में अकेली हूँ, तुम तुरंत आ जाओ। मैंने सोचा बेचारी अपने दर्द को बांटने के लिए बुला रही होगी, पर पता है मेरे वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया? उसने मेरा ही दर्द बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ?
फिर किसी और के साथ शादी कर ले। रुला दिया था। सोचा था उसे शादी के बाद ले जाऊंगा कुल्लू, पर उसने मुझे दे दिया बाबूजी का ठुल्लू। हो गया आपका? हाँ हो गया मेरा, दारू भी खत्म हो गई है, माँ ने पनीर भुर्जी बनाई होगी, खाऊंगा मस्त सो जाऊंगा। पक्का हो गया आपका? हाँ हो गया यार। तो फिर जरा चलिए ना, हो जाए एक एक कप कॉफी। पीने के बाद कॉफी से पेट कंफ्यूज हो जाता है, नहीं पी सकता। सच्ची हो गया आपका? मैं इसका जवाब नवरस में दे चुका हूँ, फिर भी एक ही बात की रट लगाई है। अगर एक और बार तुमने यही सवाल पूछा ना तो ये ए निकलो यहाँ से, जाओ और कभी लौट कर मत आना गली में वापस। आ जाते हैं मूड आगे। मूड खराब करती भाई का। सुनिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ओके। आजकल ज्यादातर रात को आप घर नहीं आते, चल क्या रहा है? देखो मैं तुम्हारे बेटे की तरह गुलछरे उड़ाने थोड़ी जाता हूँ। ये घर किसकी मेहनत की वजह से चल रहा है, कौन चला रहा है इसे? कौन भौंक रहा है यहाँ? हाँ माँ तंग कर रहा है, बोला दूं क्या? बाप के साथ में मस्ती करता है तो दिन भर नशे में धुत रहता है, और इन्हें देख इन्हें घर में आने का टाइम ही नहीं मिलता। हर दूसरे दिन तो मैं घर आ जाता हूँ ना। अरे वो तो म्युनिसिपैलिटी का पानी भी आता है तो उसे बाप बना लूं। माँ बोलना दूं क्या? क्या कर रहा है? हाई कोर्ट के केसेस से हमारा और इस घर का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे रामपुर के कोर्ट में और सोलापुर के कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन तुम दोनों सिर्फ मुझ पर शक करते हो, परिवार की भलाई के लिए कुत्ते की तरह काम करता हूँ। लेकिन तुम दोनों ने मेरे लिए कभी कुछ किया? करता हूँ ना, दो कड़क पाव लेकर आऊँ। ए पापा से ऐसी गिरी हुई बात करेगा क्या? ओ ऊंची नस्ल के हैं, फिर तो इनके लिए देसी मुर्गी लानी पड़ेगी। डर मत, माँ एक बार बोल दे तू क्या? तू भी ना, आप ऑफिस जा रहे हैं इतना टेंशन मत लीजिए। हाँ तो शुरुआत किसने की थी? अच्छा छोड़िए, संभल कर जाइएगा, कल तो आप घर आ जाएंगे ना? अगर आने की गुंजाइश हो तो जरूर फोन करूंगा। अगर फोन नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा। माँ अब भी सोच ले तू क्या? बेटा बोल पापा। चलता हूँ। प्यार ना समंदर किनारा नहीं है, वो तो लहर जैसा है, अगर एक जाएगी तो दूसरी आएगी जरूर, और ये हमारे हाथ में होता है कि किस लहर में अपने पैर गीले करने हैं। ए, रात के 1:30 बजे ऐसा म्यूजिक बजा के मुझे उकसाओ मत। तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? गिरने से बचा रही हूँ। पोस्टर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी? मैं तो रिवाइंड कर करके देखूंगा, स्लो मोशन में देखूंगा। वैसे उसने तो शादी भी कर ली, तो फिर आप क्यों प्यार में रो रहे हैं? देखो ना बदला बदला सा लग रहा है। क्या हुआ होगा? पूछो 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 उससे। क्या हुआ म्युनिसिपैलिटी के पानी, टंकी खत्म हो गई क्या? क्या बात है, हीरो लग रहा है। सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है? इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ माँ। तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी का वक्त बर्बाद करने? अच्छा उंगली क्या दी, आप तो हाथ कंधा गर्दन सब पकड़ रहे हो। कल की ब्रेकिंग न्यूज थी, एक बाप के तानों से तंग आकर बेटे की खोपड़ी खिसक गई और उसने बाप को दुनिया से ही खिसका दिया। देखो मैं आपसे ताने नहीं मारूंगा। कसम खाओ। तेरी कसम। पर लग गई क्या? चलो अच्छा ही हुआ। जोर से लगी। कुछ नहीं हुआ, बस नाटक कर रहा था, कुछ अच्छा? नहीं हुआ। सर आप कौन? आप पेरिस जयराज भैया है ना? हाँ घोचू पप्पू। आइए महाराज अंदर चल के एक बैग लगाना है। आज से खुद को सुधारना है। लड़कियों को आँख नहीं मारना है। कविता बना के दिमाग नहीं चाटना है। तुझको क्या अपना मुंह तोड़वाना है? मेरे कपड़े लेकर कॉलेज पहुँच। ओके चलो चलते हैं। स्वागत की तैयारी करने गई होगी। करने दो भाई। आ गई आ गई आ गई। साड़ी में हमारी भाभी गुलाबो लग रही है। हाय हाय स्वाति, स्वाति नाम है आपका? मुझ पर लाइन मारने की सोचना भी मत। अरे यार कितना वेट करवाते हो तुम। अरे वाह ये तो हमें तुमसे कहना चाहिए। ए
क्या कहा था इसने तुझसे? भाई इसने बोला था मैं ऑडी गाड़ी लेकर आऊंगी। ऑडिटोरियम में वेट करने को कहा था। अच्छा कॉलम है अक्षर बराबर एबीसीडी की औलाद, अब इंग्लिश में लाइब्रेरी को ऑडिटोरियम बोलते हैं। स्कूल ले गया, ऑनलाइन पढ़ा इसलिए जाहिल रह गया। चलो काम की बात करते हैं। तुमने तो आने से मना कर दिया था ना। तुम्हारे साथ बिस्तर में एक रात बिताने के बाद मतलब पूरी रात तुमने जो कहा उसके बारे में सोचने के बाद यू आई मेरे घरिंग एंड सेइंग यू हैव फीवर इन कॉलेजिंग, ये क्या बोल रहा है? तुम्हारे टॉक्स के बारे में सोचिंग एंड थिंकिंग्स, गुड मॉर्निंग, बाइक स्टार्टिंग, पेट्रोलिंग, वेरी महंगा, पर ट्रैफिक में अटकिंग, लेफ्ट साइडिंग, राइट साइडिंग, गाली गिविंग, कॉलेज में एंट्री मारिंग्स, अब देखो मीटिंग्स विद यू, पर प्रॉमिस नो ड्रिंक्स, लास्ट डे ऑफर टुमारो ऑनवर्ड्स, एवरी डे ड्राई डे, सुधरिंग फॉरएवर। चले भाई। अरे लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने जो कुछ बोला तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं बिल्कुल नहीं, चलो छोड़ो। एक्चुअली तुमने मना कर दिया था तो हमने किसी और सिंगर को बुला लिया, सॉरी, पर तुम चाहो तो वहाँ खड़े होकर शो देख सकते हो। अरे भाई इस भाड़े के कोट का पैसा खर्च होगा। मैं चलती हूँ। अरे सुनो ये कहाँ जल्दी? अरे 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 अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ आराम से आराम से, अरे गिरा मत देना, हाँ हाँ ओके ओके ओके। लगता है पूरा कॉलेज मेरा ही स्वागत कर रहा है। अरे ये शोर कैसा है? श्याम भाई ये सब जयराज की वजह से हो रहा है। ए देख के चल। ये क्या मेरा पोस्टर भी निकाल रहे हैं ये लोग? एक जमाना था जब ये मेरे स्टूडियो के चक्कर लगाता था, आज ये जयराज इतना बड़ा बन गया। ए गाड़ी निकाल, ये ले तो ये बात कर। मैडम वो क्या है ना, श्याम भाई को दूसरी जगह से अचानक से कॉल आ गया, वो तो पूरा पैसा एडवांस भी दे रहे हैं, इसलिए अर्जेंटली निकलना पड़ गया। आप चिंता मत कीजिए, इन्हें चोट वोट नहीं लगी है। क्या बकवास कर रही है? बस थोड़ा सा अपसेट हैं। क्या कहा आपने? एडवांस में लिया पैसा है? अगले फेस्टिवल में एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। क्या कहा उन्होंने? वो नहीं आ रहे हैं। अरे ओह नो, एक काम करते हैं, हम पेरिस को भी रिक्वेस्ट करते हैं। क्या बोली? जब क्रिकेट मैच चल रही हो तो कोहली स्टैंड में नहीं बैठता, पिच पर बोलर्स को धो रहा होता है। सही कहा ना? एकदम स्टाइल में। आ जाओ सबको सेल्फी मिलेगी। अच्छा लगा, आओ खिंचाओ, चल वाइड एंगल में ले। ओह तुम हो क्या? प्लीज चीफ गेस्ट बनकर हमारे लिए परफॉर्म करेंगे क्या? प्लीज गाना गाओ ना। तुम तो कह रही थी तुम्हें अच्छा सिंगर मिल गया और मैं साइड में खड़ा होकर उसका गाना सुन सकता हूँ, है ना? मैं बिना भाव खाए यहाँ पर आ गया इसलिए तुम भाव खाने लगी। अरे कहाँ है तुम्हारा सिंगर? उन्होंने एन वक्त पर हमें धोखा दे दिया, प्लीज शो को बचा लो। वो क्या है ना मैडम, अपने फैन से इतना प्यार मिलने के बाद मेरा गला भरा है, इसलिए मैं गा नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कहो ना, मेरा दिल टूट जाएगा। शायद तुम समझी नहीं। ओके अब फैंस प्यार बरसाएंग, गला भरिंग, नो सिंग पाइंग। क्या करें, शो शुरू होने वाला है, टाइम बहुत कम है, प्लीज। जयराज भाई हम सबके लिए कम से कम एक गाना तो गाओ प्लीज। जयराज भाई ना मत बोलना प्लीज। अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, ओके ओके रुको, ठीक है मैं तुम्हारे लेने पर फैंस के लिए गाऊंगा, पर तुम्हें दुबई स्टाइल में माफी मांगनी होगी। क्या बोल रहे हो? दुबई स्टाइल में मतलब शेख लोग की तरह अप्पी जप्पी मारने का, हबीबी स्टाइल, समझी? अरे सोच मत, गले लगा लो, गो ऑन, दे दे। ओके ये शेख वाली झप्पी नहीं थी। अच्छे ना यार। हाँ झप्पी देता हूँ, नहीं अच्छा रहने दो। बेचारी दिव्या को लग रहा है कि पेरिस इस कॉलेज फेस्ट को फ्लॉप होने से बचा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि हमारा यूट्यूबर अपने लिए नई सब्सक्राइबर ढूंढ रहा है। और कुछ हो ना हो, हमेशा की तरह दिव्या इससे इंप्रेस हो जाएगी, ये बात तो पक्की है।
क्यों वकील साहब, मुझे भूल तो नहीं गए? आइए मैडम जी। ये छोटे। हाँ सर। दो कॉफी बोल क्या? ओके सर। बैठिए ना। अच्छा ना काना कैसे हुआ? फोन भी नहीं उठा सकते मेरा क्यों? अपनी बेटी के बारे में बताया था ना आपको, क्या कर रहे हैं उसका आप? आज सुबह से मैं आप ही का काम कर रहा था मैडम। क्या सच में? प्रॉमिस। दो दिन में प्रॉब्लम का हल निकाल कर मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, डोंट वरी। भरोसा करूं आप पर? 100% मैडम। तो ठीक है, चलती हूँ मैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ? कॉफी आ गई है, पीकर जाइए। नो थैंक्स। इतनी खूबसूरत आंटी कौन थी? एकदम दूध में जमे मलाई जैसी। इसका पति कितना लकी होगा ना सर जी। छोटे, वो क्लाइंट है। बेटी का प्यार तोड़ना है, मुझे एडवांस पेमेंट भी दे चुकी है। आप तो पहले ही सभी से एडवांस ले लेते हो, और मैं पैसे मांगता हूँ तब तो आपकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। सही है बॉस। चल चल मुझे कॉफी पिला। माँ, ये कब तक मटके से पानी भरती रहोगी? मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा बेटा? अरे माँ, तूने रील्स में देखा है वो लड़कियाँ जो नाचती रहती है और उनका एक बूंद भी पसीना नहीं बहता, ऐसी लड़की लाऊंगा वो करेगी। ऐसी लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनकर इस तरह पानी लाती हुए अच्छी नहीं लगेंगी। माँ, अपनी फैमिली की भी कोई औकात है या नहीं? हाँ कूट कूट के, पर जब तुम ड्रिंक में पानी मिलाते हो हमारी इज्जत लूट जाती है। वो सब पुरानी बात है, अब मैं सुधर चुका हूँ माँ। ऐसे झूठे दिलासे मत दे, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मुझे। अभी कुछ हुआ तो मैं घर में हूँ, आपको बचा लूंगा, लेकिन जब घर में नहीं रहूंगा तब तो आप सीधा ऊपर पहुँच जाएंगे, इसलिए घर में हर वक्त किसी को रहना चाहिए। माँ इधर आओ, इधर आओ, ये देख लेंगे। माँ ये देखो, जूम करके दिखाओ, ये देखो कैसी है, मस्त है ना, अच्छी है ना, आंखें देखो, बाल देखो, गाल देखो, मजे है ना। किसी हूरपरी से कम नहीं है ये। अरे 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 बेटा, मेरी भी बहू है, मुझे दिखा। अगर मैंने दिखाया तो आप अपने असली रंग दिखाने लग जाएंगे। वैसे भी घर बसने की बातें आपको सुनने में अच्छी कहाँ लगेंगी, क्योंकि आपको बसे घरों को तोड़ने की आदत है। सुन मेरे लाल, उस लड़की की वजह से तुझमें इतना बदलाव आया, उसे जाने मत देना। हेलो, क्या कर रहे हो? फूड डिपार्टमेंट से आया हूँ, चेकिंग करने और भूख मिटाने। इसमें नमक कम है और ठंडा भी है। क्या अजीब आदमी है। सीरियसली? हाय हाय हाय। हे, ये क्या, तुम तीनों की प्लेट्स खाली क्यों हैं? तुम लोगों के लिए कुछ ऑर्डर करूं? तुम दोनों मस्का पाव चाय के साथ खा लो। नहीं नहीं, और तुम्हारे लिए पनीर पुलाव लेकर आता हूँ। नहीं ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो कुछ मीठा खा लो, यहाँ पर पाव का हलवा बहुत अच्छा मिलता है, अभी लेकर आता हूँ। रहने दो, नहीं खाना। यहाँ किसी से मिलने आए हो? मिलने तो इससे आया था, पर तुम यहाँ बैठी दिखी तो सोचा तुमसे भी बात कर लूँ। पूछ रही किससे मिलने आए हो, अब तक समझे नहीं किससे मिलना है। अरे तुमसे मिलने आया हूँ और क्या। तो फिर बोलो क्या बात है। वो एक व्हाट्सएप आया था, उसमें लिखा था 10 लोगों को भेजो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ? अब तुम मेरे बारे में अच्छा सोचती हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, इसलिए तुम अपना नंबर दे दो तो ये मैसेज तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा हो जाएगा ना। 9841244330। मैं कॉल कर रहा हूँ, नंबर सेव कर लो। हाय बेबी। हाय चुनो बाबू। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरे आने की खबर तुम्हें मिल गई थी? मैं तो इंतजार करते करते थक गई। अरे वाह, पटाने से पहले ही पट गई, मतलब अपनी जोड़ी जम गई। सच में आ गए? अरे सच में, वास्तव में, हकीकत में, वाकई में, रियलिटी में, अपनी जोड़ी हिट है। तुम पहुँच गए, कहाँ हो? बात मुझसे करिए, देख पीछे रहिए, कहानी है क्या? हाँ मैं बाहर ही हूँ। ओके बाय बाय बाय। कहाँ रह गए थे? ये हर टैक्सी के ड्राइवर को ऐसे ही गले लगाती है क्या? बॉयफ्रेंड है, इतने दिन तक सिंगल ही थी वो। इनके रिलेशनशिप को एक ही महीना हुआ है, अब तुम क्या करने वाले हो? मान जा डालने से पहले ही कोई और पतंग उड़ा लगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किसी और के ऑर्डर को देख के सोच रहा था कि मेरी डिलीवरी आ गई है। ए, जा हमारे लिए कुछ ऑर्डर कर। अच्छा चल, पोकड़ में खिलाऊंगा क्या? अच्छा वा, कुछ ऑर्डर नहीं किया था, बिना वजह खर्चा हो जाता मेरा। मेदोड़ा अच्छा नहीं है, खा मत, ये ले खा ले और मर। Hmm.
मेरा दिल फट के हाथ में आ गया है और आप यहाँ पे कितना अच्छे हो। छोड़ उन्हें, क्या कर रहा है? ऐसे नहीं करते, वो तेरे पापा हैं। वही तो, इसी बात का तो दुख है मुझे। तूने तो कहा था तू सीधा हो गया है। तो सीधा ही तो हूँ, टेढ़ा दिख रहा हूँ क्या आपको? किसी और का गुस्सा गरीब बाप पर क्यों उतार रहा है? सब्जी का भाव बढ़ता है जब ट्रक वाले स्ट्राइक करते हैं, जब पड़ोसी मुल्क जीतता है तो पूरी इंडियन टीम को गाली पड़ती है। बहस तो वकीलों से भी अच्छी कर लेते हो। वकील से कातिल भी बन सकता हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इतना ड्रामा क्यों कर रहा है बताएगा? सुबह तो ठीक ठाक निकला था। मेरी जिंदगी में कहाँ कुछ ठीक रहता है, दोपहर तक फिर बात बिगड़ गई। सोचा था उसका हाथ थाम लूंगा तो जिंदगी सुधर जाएगी, पर अब तो और बिगड़ गई। अरे हुआ क्या, बताएगा क्या? जल्दी बता। उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया मम्मी। क्या बोल रहा है तू? ऐसा लगता है कोई लड़की दाढ़ी लगा कर घूम रही है। ये तो मेरी स्पेशलिटी वाला मामला है, इजाजत हो तो बोलूं? अगर कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो और सब कहने लगे कि तुम बेकार हो, बकवास हो। समझाने के चक्कर में अपना दिल हल्का मत करो, मदद करने का नाटक कर रहे हो पर मुंह से अच्छी बात नहीं निकल रही। ऐसे बाप का तो आशीर्वाद भी गाली लगता है। बेटा एक बार पापा की बात तो सुन ले। ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, बातों में घुस और लात मार रहे हैं। पता नहीं इनकी वजह से और क्या क्या मुझे देखना पड़ेगा। मुझे उस लड़की का नाम और पता दे, 15 दिनों के अंदर उसे सुला दूंगा। पहले 15 मिनट में खुद तो सो के दिखाइए, सुलाने वाला खुद तो सोता है नहीं। मेरी अधूरी कहानी कब होगी? जिन जिन चेक, जिन जिन चेक। मेरी अधूरी कहानी कब होगी? जिन जिन चेक, जिन जिन चेक, जिन जिन। आपके अंदर के संगीतकार को सुनाता हूँ अभी। काहे को टेंशन ले रहे हैं? ए, उसे क्या टाइम बोला था? बस आती होगी वो। ये देखो मैडम आ गई। इतनी देर क्यों लगी? अब आ गई हूँ ना, बोलिए प्लीज। सेकंड फ्लोर जिम में है, मैंने लड़के का फोटो तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, देख लिया ना? देख लिया। तुम्हें पता है ना क्या करना है? जाओ। क्या लगता है मछली फंसेगी? अगर मैं होता तो पक्का फंस जाता। बॉस मेरा एक डाउट है, इस तरह की लड़कियां और कितनी आपके पास? अबे जुबान बंद कर। जितना मारना है मुझे मार लो, लेकिन मेरी भी एक ऐसी सेटिंग करवा दो ना बॉस। हाय। आई यू डॉक्टर वेंकट? हाँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं टीवी पर। ओह क्या सच में? सुन। हाँ बॉस। जिस तरह से बात कर रहे हैं लगता है कि मछली फंसेगी। 100% फंसेगी बॉस। थैंक यू। तो इफ यू आर फ्री आज शाम को मिलें क्या? या। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाँ। आपने रूम नंबर तो बताया ही नहीं। इट्स 131। कैच यू देन, बाय। सारा चखना अकेला खाएगा क्या? भाई को भी दे। ये क्या है? आपने तो कहा था आप सुधर गए हो। वापस बिगड़ गया था पर अब फिर से होश आ गया है मुझे, तो फिर सुधर गया। तो आपने फिर गाना गाना छोड़ दिया? मुझे सिर्फ दो ही चीजों में खुशी मिलती है, एक तो है मौसीकी, दूसरा चकना चुस्की। वाह वाह भाई, एक बार। उसके अलावा सब मोह माया है। आप मुझसे कौन सा काम आया? वो कल ना मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ आए और गाना गा के उसे विश करें। शांति शांति। ओह नो। रिलैक्स भाई, जस्ट चिल। ये क्या है? व्हाट हैपेंड? ओ कुछ नहीं दीदी, तुम्हारे इस फंक्शन में फ्राइड राइस मिलेगा या बिरयानी मिलेगी? सूखी सूखी पार्टी है या गीली गीली पार्टी है? एडवांस चाहिए तो ले लीजिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के हैप्पी बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे गाने से उसका बर्थडे हैप्पी होता है, तो ऐसे हैप्पी होने वाले को और हैप्पी करने में मुझे बहुत हैप्पी फील होगा। वाओ। क्या? एक ही लाइन में तुमने कितनी बार हैप्पी हैप्पी बोल दिया ना? तो मैं आपका इंतजार करूंगी। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलो ना। मैंने कहा मैं आपका इंतजार करूंगी। एक बार और प्लीज। मैंने कहा मैं आपका इंतजार करूंगी। लटकी दारू का हुआ जुगाड़, जुगाड़ जुगाड़, फकीरों की लाइफ हो गई है पार। टुडुम 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 टुडुम।
ए लड़की को सुमड़ी में उठा के अड्डे पे लेके आ जा, तब तक मैं यहीं से देखता हूँ। हाँ, आजा आजा। सुना उस्ताद ने क्या कहा, लेके जाओ यार। हाँ? ए, चल हमारे साथ चल। क्यों बे, सब्जी छीलने का चाकू लेकर घूमते हो? अब तेरा कौन छीलू? अभी तक लेकर नहीं गया? कल तू भी। चल 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 चल। तुमने अकेले ही पांचों को मार दिया। How is it possible? I am super folding, that's why. Wow. अरे वाह, देरी हो भाव। आराम से, आराम से। बॉस लगता है काम हो गया। बॉस, चार्ली का फोन है। खल्लास कर दिया होगा। आशीर्वाद दो। हेलो बॉस, प्लान फेल हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला था। जूस पीना तो अपन फोड़ डालेंगे। देखा क्या हुआ? निकम्मो, शर्म नहीं आती भाई कहते हुए। गंदे नाले में डूब मरो। नाले का क्या है, अपना तो रोज का है, पीने का पैसा दो ना। पकड़। लगता है बॉस का बैलेंस खत्म हो गया है। देखा, इसलिए तो कहता हूँ एडवांस लेना चाहिए। ऐसा क्या? हाँ 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 भैया, चलो पी के सोचते हैं। चलो चलते हैं। काम हो गया ना? क्या कहा? रुकिए रुकिए बॉस, हर वक्त मुझे बेवजह मारते रहते हैं। मुझे मार के आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। बेवजह अपना बीपी बढ़ाते रहते हैं। आपके सारे प्लान सड़े हुए होते हैं। अभी जरा दिमाग ठंडा रखिए, एक दो पेग लगाइए और आराम से प्लान सोचिए, फिर जो करना है वो करिए। देखिए थोड़ा कई पैसे का दारू था बॉस। आजा। हाँ आ रहा हूँ। बॉस, इस भंगार की कवर क्यों निकाली आप? Hey, पायल से शादी करने के बाद मैं बिजनेसमैन बना। उससे पहले मैं ट्रक का ड्राइवर था। इसने कई दुश्मनों को उड़ाया है और सिर्फ 3,000 में बाहर आ जाता था। पर जब मेरा बेटा पैदा हुआ, फिर सारे गलत काम छोड़ दिए और पायल से ऐसा न करने का वादा किया। पर अब लगता है मुझे वो वादा तोड़ना पड़ेगा। पायल जी, चाबी दो। पूरे 25 साल बाद मैं इसे स्टार्ट करूंगा। बॉस, 25 सालों से ये लॉरी यहाँ भंगार बन के खड़ी थी। हाँ? ये स्टार्ट होगी क्या? हाँ? होएंगी ना स्टार्ट? बिल्कुल आ जा। छोड़ूंगा नहीं उसे। स्टार्ट हो गई। ए, हाँ? वो एडवोकेट कहाँ मिलेगा? वो लाल वाली गाड़ी में अभी निकला है घर से। चलिए उस एडवोकेट को अभी ठोकते हैं। हाँ? अपनी भी ट्रक लाल है। बचेगा नहीं वो। I too love you. हाँ? Hello, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं बोला। क्या नहीं बोला तुमने? I love you जैसा कुछ। अरे ये लो, बोल दिया तुमने। चक्कर तो नहीं आ रहा इसको? वाह, बड़ी भोली बनने का नाटक कर रही हो तुम। लड़ाई के बाद तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मैंने तुम्हारे कंधे पर रखा, तो ये टच्चा टच्ची क्या थी? तुम तो फाइट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे ना, तो ये सब कब नोटिस किया तुमने? मैं लोगों की तरह प्यार में अंधा नहीं, चौकन्ना ही रहता हूँ। ये आइडिया मेरे बापू ने दिया है। पर कोई बात नहीं, तुम वक्त बर्बाद करती रहो। कोई है कुंवारी जो मुझ पे जाए वारी 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 वारी? चलें सफारी, क्या बोलते हो? तुम्हें देख के लगता नहीं ना कि आई हो। जयराज, क्या कर रहे हो? मेरे पापा ने भी मुझे ऐसा ही कुछ कहा है। हाँ? I love you. I hug you. राइट लीजिए बॉस, राइट राइट राइट। लेकिन क्यों?
सामने वाली गाड़ी उस वकील की है। मेरे खबरी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, भगाओ गाड़ी, छोड़ना नहीं उसे बॉस। रास्ता इतना खराब है कि जाम बिन पिए छलक रहा है बॉस। बॉस सुनिए ना, क्या हुआ? वाहन की गति कम कीजिए। किस लिए? मुझे पेग पीना है बॉस। ए, कोई मरने वाला है और तुझे पीने की पड़ी है। अरे लाल गाड़ी कहाँ गई? क्या बात, वो आपकी पत्नी थोड़ी है जो हर चीज बताते चलेगी। मेरे को भी नहीं पता, आप तेज चलाइए और पीछा कीजिए। जबान बहुत तेज है तेरी, रुक बताता हूँ तुझे। बोलिए पापा जी। हाँ हेलो, देवदास कहाँ है बे? देवदास कौन और कौन? भाई ने लड़की को पटा लिया है, दोनों चौपाटी गए हैं और एक नारियल में दो पाइप डाल के पी रहे हैं। है? क्या लड़की पटा ली? पापा जी जितने आप भोले हो ना उतने हो नहीं, बहुत चालू हो। क्या किया मैंने? कोई नहीं, पार्टी वार्टी नहीं चाहिए? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। ए, तूने आज मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, मैं तेरे लिए विलायती शराब लाऊंगा। महंगी वाली लाना। ठीक है फोन रख, गाड़ी चला रहा हूँ। आज तेरी खैर नहीं, हॉर्न पे ये थैली क्यों? हम इतनी ऊंचाई पर कैसे हैं? अरे बाप रे, ये क्या कर डाला? अच्छी खासी सड़क पर ट्रक उड़ा के इसे खंडाला बना डाला। अरे मेरा पैर फंस गया, इसीलिए ब्रेक नहीं लगा और गाड़ी उड़ गई। अच्छा बॉस, कौन है ये खटारा ट्रक से विली कर रहा है? हेलो। अरे बाप रे बाप, बॉस वो तो पुलिस को फोन कर रहा है, लगता है उसे सब पता चल गया, यहां से भागना होगा। अरे निकाल इसे। अरे निकाल इसे। बॉस अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए हो या बेच कर आए हो? एक तो ट्रक को पेड़ पे चढ़ा दिया, ऊपर से कह रहे हो इसे धक्का देके मैं बाहर निकालूं। मैं अपना पैर निकालने के लिए कह रहा हूँ। हर जगह टांग अड़ाओगे तो ऐसा ही होगा बॉस। चलो जल्दी से यहाँ से कूदते हैं, नहीं तो पुलिस आई तो कुदा कुदा के मारेगी। सर आपने एम्बुलेंस बुला के हमारी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पुरुष नहीं है सर, आप महापुरुष हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। अरे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। क्यों सर? आपके ट्रक का ब्रेक फेल हुआ तो आपने हॉर्न बजाकर मुझे इत्तला किया, इसलिए मेरी जान बची। सर सर ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए तो? नहीं सर, वो हमें नहीं चाहिए, पर दिल करे तो 9500811 पर आप हमें गूगल पे कर सकते हैं। ओके ले जाइए इन्हें, इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। ऐसे नहीं पूछो क्यों आए हो? क्यों आए हो? तुमने पलट के जिन नजरों से देखा, हाय सबर के सारे बांध टूट गए, मेरे अंदर का जैकी चैन जाग गया और मैंने फुर से पाइप पकड़ी, ऊपर चढ़ा और अंदर आया। सिर्फ एक नजर में यहाँ तक आ गए? अच्छा बताऊँ उन नजरों में क्या था? वो नशा जो 10-15 बोतलों में भी नहीं होता है, और वो नशा सर चढ़ के बोल रहा है मैं बेहोश हो रहा हूँ। ठीक है मम्मी किसी भी वक्त आती होंगी, तुम जाओ यहाँ से। पाइप से चढ़कर आया हूँ ना, इसलिए मेरा पूरा बदन दुख रहा है। जरा होटो से बैटरी रिचार्ज कर दो ना। बैटरी रिचार्ज? ए निकलो यहाँ से तुम, चलो चलो जल्दी करो। राजा बेटा। बोलो मेरे बाबू। उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर लड़की पटा ली तूने? हाँ शुरुआत तो आप ही ने की थी ना। मैंने क्या किया बेटा? अनजान बन रहे हो। ठीक है मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे कहाँ हो तुम, मॉल में या पार्क में? गर्लफ्रेंड के रूम में। शादी से पहले हद पार मत कर देना मुन्ना। आप अपनी हद पार कर चुके हो, उसका क्या, बता रहा हूँ उसके रूम में हूँ फिर भी फोन पर पकाए जा रहे हो। अच्छा ठीक है। क्या बोलूं, फोन काटने से पहले बाय भी नहीं बोलता। खैर मजे कर रहा होगा। किसका फोन था? मेरे बापू का। मम्मी? मम्मी का नहीं, पापा का। बाहर मेरी मम्मी है। चलो चलो जल्दी छुपो। चादर ओढ़ के तकिया बन जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे नहीं, क्या जाओ अलमारी में छुपू, बाथरूम में। आइए वकील साहब आइए, आप तो कल आने वाले थे ना? एक जरूरी केस में फंस गया था मैं, इसलिए नहीं आ पाया। घर पे कोई नहीं है क्या? दिव्या घर पर ही है।
क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आइए, क्या कर रही थी इतनी देर से? हम दोनों कब से बेल बजा रहे हैं? वो मैं सॉन्ग सुन रही थी ना, इसलिए डोरबेल सुनाई नहीं दी मुझे। जाओ पहले इनके लिए पानी लेकर आओ। हाँ अभी लाई। आप आइए ना। काम हो गया है, दिव्या का ब्रेकअप कर दिया है। आप तो खुश हो ना? वो तो है, पर अभी काम हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप उठकर कहाँ जा रहे हो? लाइट का बिल भरना है, इसी एक महीने से खराब पड़ा है। मैं तो आपसे शिकायत करते करते थक चुकी हूँ। वो मेरी काली टी शर्ट थी ना, बिल्ली की फोटो वाली। हाँ, जिस बिल्ली की फोटो थी वो ले गई। बिल्ली ले गई? हमेशा काम, घर आने का तो नाम ही नहीं लेते, और जब यहाँ आते हो दो मिनट मेरे पास बैठकर बात नहीं कर सकते। इस घर को संभालते संभालते मैं परेशान हो गई हूँ। बस बस, चिल्लाने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं आवारा गर्दी करता हूँ? सिर्फ सोलापुर के कोर्ट से आने वाले पैसों से घर नहीं चलने वाला, समझ में आती बात? अंडरस्टैंड? अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कोल्हापुर और पंढरपुर कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इस परिवार के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है। ए दिव्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी पापा। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप परिवार को बिल्कुल टाइम ना दो। अभी तो घर आया हूँ ना, फुल एंटरटेनमेंट की गारंटी है। ए, ए, छोटे, अरे क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। पापा पानी नहीं उतर रहा था तो सोचा मैं उतर जाऊँ। ठीक है, चढ़ जाता हूँ। कहाँ गायब हो गए हो? प्यार में गिरा तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। ओए, कहाँ हो तुम? आपने पंडर लोग के साथ? हाँ, चलो अच्छा हुआ, पता नहीं अगर पापा देख लेते तो क्या हो जाता। बिना मंडप के कन्यादान हो जाता। तुम्हें डर वर नहीं लगता क्या? तुम अपने पापा से बहुत डरती हो क्या? क्यों, तुम अपने पापा से नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, उल्टा वो है जो मुझसे डरते हैं। जयराज, इज्जत से बात करो, समझे? एक माँ हमेशा कहती रहती है कि मैंने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, लेकिन पापा जिंदगी भर हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और एक थैंक यू तक की उम्मीद नहीं रखते। मेरे पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है, बहुत चालू चीज है वो तो मेरा हिस्सा भी खा जाए। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोचते हो, पर आज के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें प्यार और इज्जत दो। पता है क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं है, मेरे भी पापा है। ए दिव्या। हाँ? क्या कर रही हो? जरा पापा को पानी देना। ए, मैं रखती हूँ, मम्मी बुला रही है। पापा? आज शहर के एक म्युनिसिपल ऑफिस में जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल जब एक पत्नी अपने पति का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करवाने गई, तो उसे पता चला कि उसके पति का आधार कार्ड पहले से ही किसी दूसरे राशन कार्ड से लिंक है। जांच में पता चला कि उसके पति का पहले से एक और परिवार है, जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने अपने पति की जमकर पिटाई की। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह दोनों को अलग किया और दोनों के बीच फिर सुलह करवाई। खबर मौसम की, मुंबई में बहुत से अभी तक नाश्ता खत्म नहीं किया आपने, चलिए निकलते हैं। कहाँ जाना है? इतने दिनों से तो कह रही हूँ आपको, राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना है। राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना है, फिर तो मेरी खैर। क्या हुआ? मेरा काम कौन करेगा? वो काम आप बाद में करिएगा ना, पहले चलिए मेरे साथ। नहीं चल सकता, आज पॉसिबल नहीं है। ये लो देखो, फोन बजा, बहुत काम है। हेलो बॉस, आज कोर्ट में बिजली नहीं है, कोई काम नहीं हो सकता। शाम का इंतजाम करूं? क्या कहा, इस हफ्ते के सारे केसेस आज ही पूरे करने पड़ेंगे। अरे बाबा, मैं कह रहा हूं आज कोई काम नहीं होने वाला, इतनी जल्दी कैसे आ पाऊंगा? आप घर पे आराम कीजिए, अगले 20 मिनट में हियरिंग है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अरे यार, 20 मिनट में कोर्ट की हियरिंग है और तुम मुझे अभी बता रहे हो? ओ चौधरी के चांद, इधर आ। चौधरी का चांद किसको बोला बे? मतलब तू मुझे सुन सकता? सुन सकता हूं। निकल। अबे हट। अगर ये मुझे सुन सकता तो फिर बॉस क्यों नहीं सुन सकते? अच्छा बताइए, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कब जाएंगे? आधार जोड़ने के लिए हमारा रिश्ता टूटेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास वक्त नहीं है। आप सुनिए तो। सुनो, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ लाती हूँ। ये किसका बच्चा उठा कर लाई हो? पापा, आपकी होने वाली बहू ने सिखाया, माए एक ही बात सुनाती है कि तुझे 9 महीने कोख में रख के पाला पोसा, जबकि असली कुर्बानी तो बाप देता है और एक छोटे से थैंक यू की उम्मीद भी नहीं करता। उसकी बात सुन के मैं पूरा पिघल गया। जूतों से मारूंगी उसे, मैंने कब की ऐसी बात?
एक हफ्ता भी नहीं हुआ तुझे उससे मिले हुए और वो माँ बेटे के बीच दरार पैदा कर रही है। ऐसी लड़की से प्यार किया हाँ, इसीलिए तुझे 9 महीने कोख में रखा। देखा, फिर से वही बात सुनाई ना, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड सही है। जयराज, शादी से पहले ही तू बीवी की तरफदारी करने लगा है। शादी की बात तू उसे यही लेकर आएगा ना, देख लूंगी उसे। अरे माँ, दावा क्यों कर रही है? उसे जलन हो रही है। जी पिताश्री। उस लड़की ने मेरे लड़के को एक दिन में सुधार दिया, तेरी माँ को इसकी वैल्यू नहीं समझेगी। ए, तेरी गर्लफ्रेंड को मैं अपनी बहू नहीं मानूंगा, उसे तो मैं अपनी बेटी। अरे पिताश्री, आपको चोट लग गई क्या? मैं दुनिया को हिला दूंगा पर आपको कुछ नहीं होने दूंगा पिताश्री। आदेश दीजिए पिताश्री। पौवा लेकर आऊं क्या? नहीं नहीं, खंबा। तेरी गर्लफ्रेंड आने वाली थी, आई नहीं? बस आती होगी, अच्छे से स्वागत करना अपनी बहू रानी का। ओ सॉरी, अपनी बेटी का। इससे चौड़ा बॉर्डर मिलेगा क्या? ये साड़ी की बॉर्डर में मजा नहीं है, पाकिस्तान बॉर्डर चली जा। मजा कर रहा हूँ रे रानी। हैं? तू पापा के जोक पे हंस रहा है या पापा पे हंस रहा है ये मुझको समझ में नहीं आ रहा। सर, ये आपका बेटा है? अबे खजूर, बेटा नहीं तो क्या, मैं तुझे बेटी नजर आ रहा हूँ। क्या जोक है? इस बात पे भी हंस रहा है? पापा, ये हर बात पे हंसता है, इसको घर ले चलते हैं क्या? क्यों तंग कर रहा है इसे, आप जाओ यहाँ से, जाओ ना। फोन आ गया, लगता है आ गई वो। बेटा, मेरा फोन बज रहा है। ओ, तो माँ कुछ पसंद आया? हाँ, ये बढ़िया है ना। 2 मिनट में आता हूँ। जो पहली देखी थी ब्लू वाली वो भी अच्छी दिखा है। ये हेलो, सुनिए कहाँ हैं आप? मैं कोर्ट कचहरी में बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। एक मिनट, मैं और दिव्या शॉपिंग के लिए आए हैं और घर की चाबी मैंने पड़ोस वाली सुषमा को दी है, बस इसीलिए फोन किया था। ओके 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 ओके, वैसे तुम शॉपिंग कहाँ करने जा रही हो? एक्सक्यूज मी मैम, आपकी बैग। मामा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। पूरी बात भी नहीं सुनते। ये मॉल के खंबे क्यों ना आप रहे हो ऐसे छुप छुप के? दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? मम्मी, इनका ध्यान रखना, मैं भी। चलो। मुझे 2 बनारसी चाहिए और 2 कॉटन साड़ीज, उधर देखिए। आजा आजा आजा। हेलो आंटी। जीती रहो बेटी, खुश रहो। पापा कहाँ हैं? वो तो आपके साथ है ना? मेरे पीछे ही तो आ रहे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो तुमसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे। आप लोग बातें कीजिए, मैं देखता हूँ कहाँ। हाँ, आओ साड़ियाँ देखते हैं। ये अच्छी है ना? हाँ। ये वाली? आंटी, आप चूड़ीदार क्यों नहीं ट्राई करती? मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा ना। एक बार ट्राई कीजिए। कभी पहना नहीं। चलिए ना। नहीं, आइए ना, ट्राई करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। जिंदगी में पहली बार एक बाप को अपने बेटे से आशीर्वाद लेते हुए देख रहा हूँ। नहीं बेटे, 5 रुपए का सिक्का गिर गया था, वही ढूंढ रहा था। वहाँ पे हीरे जैसी बहू आपका इंतजार कर रही है और यहाँ पे चिंदी की तरह चिल्लर ढूंढ रहे हैं। चलिए उठिए। हाँ बोलिए माँ। पापा को ढूंढते हुए तू भी गायब हो गया, कहाँ है तू? पापा मिले? हाँ मिल गए, यहीं पर चिल्लर ढूंढ रहे थे और मैंने। फिर से कहाँ चले गए? सुनिए, यहाँ जमीन पे एक आदमी पड़ा हुआ था, वो कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता माँ, वो फिर कहीं गायब हो गए। ट्राई करके देखिए। अरे अच्छा नहीं दिखेगा। प्लीज आंटी। कोर्ट में जाने वाले थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें सरप्राइज देने चला आया। मुझे? पर क्यों? आज हमारी एनिवर्सरी है। नहीं तो? एनिवर्सरी के दिन ही सरप्राइज दिया जाता है, और दिन नहीं दे सकता? मुझे क्या सरप्राइज देना था आपको? बताने से मजा किरकिरा हो जाएगा, ये लो ट्राई करके देखो। अरे यहाँ इतने सारे कपड़े, जरा मुझे देखने तो दो। अरे नहीं, येलो में तुम बिल्कुल कटरीना कैफ लगती हो, जाओ ना। मजाक तो नहीं कर रहे? ट्राई करके देखो ना, खुद समझ जाओगी, जाओ ना। अरे बाप रे,
पापा आप यहाँ पर मॉल में क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम लोग अभी आ रहे हो। मम्मी को देखा? वो वहाँ ट्रायल रूम में है। तुम भी ये चूड़ीदार ट्राई करके देखो, तुम पर अच्छा लगेगा। जाओ। पापा मैं यहाँ शॉपिंग करने नहीं आई थी। तो फिर मेरी जान लेने आई थी? आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? टेंशन में नहीं हूँ बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। सर बेटी है आपकी? बेटी नहीं तो क्या, बेटा लग रही हूँ मैं तुम्हें? लड़की ही हूँ। सर आपके बेटे की तरह बात करती है। अब तू कंफ्यूज मत कर, चल जा वहाँ जाकर जूस पिलाओ किसी और की मैयत पर जाओ। चलो चलो तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, जाओ जाकर ड्रेस पहन कर दिखाओ। जाओ ना बेटी। सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ? शौक हो गया देखकर। अच्छा नहीं है? घर पे पोंछा मारने का कपड़ा लग रहा है। जाके दूसरा ट्राई करूं? बिल्कुल जाओ देवी। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। जाओ जाओ। बच गया। सुनिए तो। हाँ? क्या ख्याल है? बहुत थक गया हूँ, जिंदगी हाथ से छूट गई। ये क्या कह रहे हैं आप, मैं कपड़ों के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है, जाकर बिल भर दो। बिल्कुल नहीं, मुझे एक और दिलाओ ना। एक मिनट। हे जयराज। ए ब्रो, आपकी बहन बुला रही है, देखो। मेरी बहन? हाँ। कहाँ पे? ये सामने तो खड़ी है। जमीन पे तू रिश्ते मत बना, ऊपर वाला बैठा ये करने के लिए। ऐसी लड़की बहन नहीं, प्रेमिका होती है। क्या कह रहे हो, प्रेमिका? हंसो मत, अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। अरे बाप रे, शादी भी करने वाले हो? शादी के साथ साथ मर्डर भी करूंगा। साथ में मर्डर भी करोगे? किसका? तेरा करूंगा। तेरा काम कस्टमर्स को जूस देना, उनका खून चूसना नहीं है, समझा? गंदे ग्लास धो जाके चल निकल। चलो दीदी, मतलब दिव्या। क्या पागल आदमी था। सर 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 सर, अरे एक मिनट सर, हाथ क्यों पकड़ रहा है? हाँ बोल सर, मुझे एक डाउट है सर, आप ही क्लियर कर सकते हैं? वहाँ सारी वाले सेक्शन में आपका लौंडा था ना? हाँ था। हा? और यहाँ जो मंडरा रही थी वो आपकी लौंडी थी ना? हाँ थी। अरे यार सर, वो दोनों एक दूसरे से। सुनिए तो, कैसा है? हाँ? अरे सर, मम्मा चमक रही हो, बहू के आते ही सांस के तो रंग ढंग बदल गया। इसने जिंदगी इसलिए पहन लिया, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छी, अब से सबको कहूंगा अपनी छोटी बहन है। तू भी ना। पापा कहाँ हैं? आपके साथ नहीं है? अभी तो यहीं थे मेरे साथ, कहाँ चले गए? फोन कर जरा। भूत की तरह मंडराते रहते हैं। रियली नाइस। हेलो, यहाँ पर मैं, आपकी बीवी, मेरी होने वाली बीवी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, रखिए। क्या हुआ? उनके किसी लॉयर दोस्त को हार्ट अटैक आ गया तो अर्जेंट जाना पड़ा, वो बाद में मिलेंगे। चलो हम लोग चलते हैं। हम चलें? आइए। इसको जरा सा निकालते ही देसी का मजा दे रही है। हम सब आप ही का वेट कर रहे थे। सर इनका एक्सीडेंट होने के बाद आपने इन्हें हमारे हॉस्पिटल में क्यों भर्ती करवाया? आपको सच कहूं मैडम, हमने सुना है इस हॉस्पिटल का खाना बहुत ही अच्छा है, हम लोग उसी को खाने के लिए यहाँ आए हैं। पूरी भाजी मिलेगी क्या? पर ये फीडबैक तो आएगा। फीडबैक आप लोग को चाहिए, पेशेंट को सबसे पहले ठीक करो, ना कर पाए तो किडनी निकाल लो, फिर उस किडनी को बेचकर उसके रिश्तेदारों में बांट दो, और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगा दो। जबड़ा ज्यादा हिलाइए मत, टूट जाएगा। जयराज मौसम मस्त है ना? रोक रोक गाड़ी, रोक, सबसे बात कर। कहाँ से आ रहे हो? राजौड़ी। कहाँ से? राजौड़ी बीच। घर पर क्या कहा? बाय बाय कहा था। अरे घर से यही बोल के निकला था मैं। और तुमने क्या कहा बेटा? मैंने कहा कि दोस्त के घर जा रही हूँ। झूठ बोल के मजे कर रही हो, सास छोड़ना। अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अपनी सास को छोड़ू कैसे? छाने सास छोड़ना। अब तुम्हारी बारी। सर ये तो चला भी नहीं रही, इसको क्यों बोल रहे हो? आजकल की लड़कियाँ लड़कों से ज्यादा पीती हैं, ये सब पता है हमें। सास छोड़ो। गाड़ियों को रोकना ट्रैफिक पुलिस का काम है, ये काम आपको शोभा नहीं देता। पता है किससे बात कर रहे हो? यूट्यूब सेलिब्रिटी पेरिस जयराज, तुम्हारा वीडियो बना के डाला ना। छोटे बाबू टेंशन मत लो, इस राजौड़ी रास्ते पर कई गैर कानूनी काम होते हैं, ऐसी हमें खबर मिली है। लड़के लड़कियां यहाँ नशे में आकर तमाशा करते हैं, ऊपर से हमें चेकिंग के लिए ऑर्डर्स हैं, इसीलिए ये सब। और सुनो तुम जाओ, किसी को भी रोक के तलाशी ले लेते हो, शक्ल से ही शरीफ लग रहे हैं। इसे बोलते हैं असली पुलिस वाला। एक मिनट छोटे बाबू, आप नीचे उतरो। अरे उतरो ना, आप भी उतरो। पाटिल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पापा का नंबर याद है? क्या करूँ मैं उन्हें कुछ बताऊंगा नहीं, बस उनसे बात करनी है, छोटी सी फॉर्मेलिटी है। अरे कह रहे ना फॉर्मेलिटी है, दे दो, हम बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पुलिस बताएगी तो मजा आएगा। हाँ बोलो बेटा। पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ।
प्यार करती हो? मैं उसके साथ राजोड़ी आई थी, यहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया है। किसने रोका? उसे मेरा नाम बताओ, फोन दो जरा। पापा वैसे प्रॉब्लम नहीं है, पर इन्हें बस फॉर्मेलिटी के लिए आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है, फोन दो उसे। हेलो, नमस्ते सर, मैं एडवोकेट प्रकाश राज बोल रहा हूँ। अरे आपकी बेटी ने बताया नहीं कि आप एक एडवोकेट हो? लेकिन अब तो पता चल गया ना। कौन से स्टेशन से हो? राजोड़ी। राजोड़ी मतलब विरार साइड, वहाँ का एसीपी जो है ना जगदीश, वो मेरा अच्छा दोस्त है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी बेटी का जरा ध्यान रखें। वो क्या है ना सर कि आजकल चोरी, किडनैपिंग, रेप वगैरह काफी हो रहे हैं। मैं आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। समझ सकता हूँ, गलती मेरी है, मुझे अपनी बेटी पर ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ जो लड़का है वो कैसा दिखता है? कोई लफंगा ही लग रहा है। एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए ना। उस लफंगे को पकड़ कर रखिए और मेरी बेटी को जाने दीजिए। कल मैं आता हूँ ना स्टेशन, जो भी लेन देन होगा मैं वहाँ आकर देख लूंगा। हाँ ठीक है, समझ गया मैं, आप फिक्र मत कीजिए। लो बेटा जी। मैंने उनसे बात कर ली है। लेकिन इस तरह लड़कों के साथ मिलना अच्छी बात नहीं है। अभी अभी टैक्सी पकड़ो और घर आ जाओ, कल इस बारे में बात करेंगे। ठीक है पापा, ठीक है। क्या क्या हुआ? बात हो गई ना? अरे ओ पाटिल इधर आ। सर एक टैक्सी बुलाओ और मैडम को घर भेजो। ठीक है सर। इसे अकेले क्यों भेज रहे हो? मैं हूं ना साथ में। वो सब बताता हूँ, आप घर जाइए। ठीक है, जाओ वीडियो कॉल करना। हे हे, तुम आराम से अपने मायके जाओ। अरे ये तो मेरे ससुराल वाले जैसे ही है, टेंशन मत लो, जाओ जाओ। चल जीप में बैठ। अभी तुम्हें बताता हूँ कि मेरा बाप कौन है। अच्छा बता। हाँ रुको। क्या हुआ बोलो बेटा? पापा मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। तुम्हें भी? मुझे भी मतलब, और किसको पुलिस ने पकड़ा? खैर छोड़ो, पुलिस वाले को फोन दो। हाँ ये लो, मेरे पापा से बात करो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। आप मेरे बेटे को पकड़ क्यों रहे हैं? वो लड़की के साथ घूम रहा था, उससे पूछताछ करनी है। वो उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या कहा? गर्लफ्रेंड? आप कह रहे हो गर्लफ्रेंड, लड़की का बाप कह रहा था कि इस लड़के को अरेस्ट कर लो। कौन गधा है उसका बाप? वो मेरे बेटे को फंसाना चाहता है। कौन से पुलिस स्टेशन से हो? राजोड़ी। राजोड़ी मतलब विरार, वहाँ का एसीपी जगदीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जगदीश सर, आप कौन बोल रहे हैं? एडवोकेट प्रकाश राज। अबे हेलो, तूने अभी मुझसे लड़की का बाप बनके बात की थी ना? कौन सी लड़की सर? समझ गया, ये आजकल के बच्चे भी ना किसी भी दोस्त का नाम डैड के नाम से सेव करके सबको उल्लू बनाते हैं। तू कभी मेरे हाथ लग गया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल फोन रख। कहीं वो पाटिल, वो लड़की कहाँ गई? आप ही ने कहा था टैक्सी में बिठाने के लिए। चल तू पुलिस स्टेशन चल, देखता हूँ कौन सा बाप आता है तुझे छुड़ाने के लिए। क्या कर रही है? पापा मुझसे जयराज की फोटो क्यों मांग रहे हैं? को मैंने बाइक पर देखा था कल रात को ही। अरे लड़की बहुत बिगड़ गई है यार, बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी मुझे, क्या करें। अरे दोस्त। हाँ भैया बोलिए। दो पुड़िया देना। पैसा लाए हो ना? हाँ हाँ ये लो। हाँ बहन जी बोलिए। अच्छा अभी कहाँ पर हो? आप ही के एरिया में हूँ, दिख रहा हूँ क्या? हाँ हाँ मैंने देख लिया देख लिया। आ जाओ बहन जी, ये तो बताओ कौन से साइड से आ रहे हो? अरे ये तो वही डॉक्टर है, चलो निकलो यहाँ से। जो पुलिस से मजाक करते हैं उनको हम अच्छी तरह सबक सिखाते हैं। जिसने मुझसे फोन पर बाप बन के बात की थी उसे यहाँ बुलाओ। ए बॉस। क्या क्या ए बॉस? मुझे तो लगता है बाल के साथ आपका दिमाग भी चला गया। बात बात पर आप चीखते चिल्लाते क्यों रहते हो? देखा, ऐसा चलता रहा ना बॉस तो एक दिन आप गुस्से के मारे अंदर से फट जाओगे, तो हमें शैतान की खोपड़ी की जगह आपके चमकते टकले को लगाना पड़ जाएगा बॉस। क्या बकवास कर रहा है? गुस्सा मत कीजिए, पिछली बार की तरह इस बार नहीं मिस होगा। मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आ चुका है बॉस। क्या आइडिया है जल्दी बता। बताता हूँ, पिछली बार पीछा करते हुए गाड़ी में ही मैं दारू मिक्स कर रहा था, इस बार मैं घर से मिक्स करके लाया हूँ। ये देखिए दारू है आपके सामने। शाबाश मेरे लाल, नीचे देख चखना भी है। आप दूरदर्शी है बॉस, देवता है। चखना। सर फोन इंस्पेक्टर खान को दे। हाँ एक मिनट सर, एसीबी का फोन है। जैन सर बोलिए। सर इंस्पेक्टर खान, अरे वो छोकरा मेरे दोस्त का दिख रहा सर, है सर ये लफंगा। मुझे सब पता है, चाय पानी का इंतजाम हो जाएगा, जवा दे। ठीक है सर। हाँ जा इसे अपने साथ ले। थैंक यू सर। ओके ऑनलाइन मिलेंगे। हाँ किधर है वो? वो देख वहाँ है।
अच्छा यहीं पर छुप रहे हो, रुको अभी बताता हूँ। सर वो फोन पे जिस आदमी ने बात की थी ना, वो यहीं पर खड़ा है, ये देखिए यही है। हाँ छोड़ो, हाँ छोड़ो मेरा। कल उस लड़की के पापा ने एक फोन किया, उसे पुलिस वालों ने इज्जत से टैक्सी में भेजा, लेकिन जब आपने फोन किया तो वो पुलिस वाला भड़क गया, उसने मुझे जेल में बंद कर दिया। आज के बाद खुद को एडवोकेट बोला तो अदालत में घुस के। बॉस बकरा और बकरे के बच्चे को देख लिया है। अबे एक काम तुझे दिया, उसे छोड़कर भेड़ बकरी पर नजर रखा हुआ है। बॉस बकरी कोडवर्ड है, वहाँ आ गया तो तेरी बलि चढ़ा दूंगा। पता खबर क्या है? अभी आप गाड़ी निकालोगे तो करेक्ट टाइमिंग होगी। हाँ। तुम जैसे बेवकूफों के बीच कहाँ फंस गया मैं? बाप बेटे तो एक साथ थे, दोनों अलग अलग कहाँ जा रहे हैं? दोनों अलग रास्ते से ही शराब पीने जाते हैं, लेकिन दोनों पहुँचते एक ही बार में है, पर दिखाते हैं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अब ज्यादा गुस्सा मत करो, ट्रक का इंजन गर्म हो गया ना तो सीधा ऊपर निकल लोगे, सामने देख कर चलाओ। अरे क्या मस्त गाना है, जरा साउंड बढ़ाओ ना। गाना नहीं फोन बज रहा है। अरे फोन का रिंग था तो बताते ना। अरे क्या बात है। अरे बॉस आपके बेटे का फोन आ रहा है, क्या बोलो उसे? बोल उस लड़के के बाप को उड़ा के, जल्द ही खुशखबरी सुनाता हूँ। ओके हेलो। हेलो बाबा, मेरे प्यार को बर्बाद लड़के के बाप ने नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? लड़की के बाप ने किया था। अरे बाप रे। अरे अरे बॉस, लड़के के नहीं लड़की के बाप को टपकाना, रोकिए रोकिए। हेलो एम्बुलेंस, हाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जल्दी आइए, हाँ सीरियस लग रहा है। क्या हुआ? वही ट्रक, वही आदमी। टकले मामू, ट्रक चलाना सीख रहे हो तो किसी खाली वीरान जगह पर जाकर सीखो, मेन रोड पे बहुत खतरा है। एम्बुलेंस को बोल दिया, आती होगी। आपने फिर से हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, जिसे हम मारना चाहते थे उसने दोबारा हमारी जान बचाई। अच्छा ये बता, तूने स्टीयरिंग क्यों मोड़ा? बॉस हमें उस लड़की के बाप को मारना है, और ये लड़के का बाप है बॉस। अगर मैं स्टीयरिंग नहीं मोड़ता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो क्या ये कोई छोटा हादसा था? मर गया। दिव्या रुक जाओ, दिव्या यहाँ आओ। क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रहे हैं? ये किसी से प्यार करती है। एक और लड़का? दिव्या मैंने आज तक कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया है, पर आज इतना गुस्सा हो रहा है कि लगता है कि मुंह तोड़ दूं। अगर आइंदा तुम उस लफंगे के साथ घूमोगी तो बहुत बुरा होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? इसके लिए नहीं, उसके लिए। अब दिव्या, अबे एड़े ये पेट्रोल है, दारू समझ के घटक मत लेना। हाँ नहीं तो। ए मोटे पटाके, तू ये कर क्या रहा है? पापा जी एक मोटे पटाके की कीमत आप क्या जानो, ये जब फटता है ना तो पाकिस्तान क्या चाइना को भी हिला देगा। दिवाली वाला पटाका मत समझो। दिन दहाड़े पेट्रोल की चोरी कर रहा है। पापा जी आपके बेटे ने हमें बोतल में पेट्रोल भर के पेट्रोल बम बनाने के लिए बोला था। ये बेवकूफ, क्या सच में तुम बम बना रहे हो? और ये बम बनाने की वजह क्या है? पास आइए ना। जाकर अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते? पापा जी जितना शाना खुद को समझते उतने हो नहीं। ए जल्दबाजी मत कर, मेरी बात सुन तो ले। आइए पापा। हाय बेटा। मेरे बेल के पेपर तैयार रखना। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड का बाप है ना, वो चाहता है मैं उसकी बेटी से ब्रेकअप कर लूं, तो मैं सोच रहा हूँ उसी को ब्रेक कर दूं टुकड़े टुकड़े करके। शादी ब्याह में इस तरह के फैसले अच्छे नहीं होते बेटा। लड़की का बाप है वो। बाप है वो? बाप नहीं, बाप की शक्ल में सांप है वो। जयराज लड़की के माँ बाप ऐसे ही होते हैं, उनके घर जाके उन्हें मनाना चाहिए। हाँ, तुम ही समझाओ इसे। ए, जरा माँ की बात सुन। ए, तू भाग के शादी कर ले, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। क्या कर कुछ ले? भी बोल रही हो तुम। ए, तेरी माँ की बात बिल्कुल मत सुनना। पहले बोला माँ की बात सुनना, अब बोल रहा माँ की बात मत सुन। खुद भी कंफ्यूज हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। पहले तो उसे साइड में रख, मामला बातचीत से सुलझ सकता है, मारधाड़ नहीं। तो जाते हैं बात करते हैं ना। किसके साथ? गर्लफ्रेंड के बाप के साथ। हाँ पर कब? अभी करते हैं।
चलो उठो। नहीं 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 अभी नहीं, बैठो जरा शांति से बैठो। हम उसके घर जाएंगे, इस तरह जल्दबाजी करेंगे, लेकिन उसके पापा घर पे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? आपको ये सब कैसे पता? मैं एक एडवोकेट हूँ, हमारा पर्सनल तजुर्बा होता है। एक काम कर, उसे फोन करके पूछ ले, ट्राई करके देख। हाय राज, कैसे हो जानू? मैंने अपने पापा से तुम्हारे पापा से बात करने के लिए कहा तो मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम्हारे पापा अपने घर पे नहीं होंगे, तो बताओ तुम्हारे पापा घर पे हैं या मेरे पापा गलत हैं? वाओ, एक ही सवाल में तुमने कितनी बार पापा बोला। तो कुछ भी अच्छा लगता है। जानू ये बताओ पापा हैं या नहीं है? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, मेरे पापा घर पर नहीं है, वो दो दिन बाद आएंगे। नहीं है ना? हाँ, और उसका बाप दो दिन बाद घर आने वाला है ना? ये सब आपको कैसे पता? एडवोकेट हूँ मैं, 150 डाइवोर्स केसेस जीत चुका हूँ, ऐसे ही गेस कर रहा था। सब्र रखो, घर आते ही बात कर लूंगा। हाँ, बच गया। हेलो जानू, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे पापा के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। मेरे पापा उनसे बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, मैं भी हूं ना लाइन पे। ओके। हेलो, मेरे दोस्त के पापा आपसे बात करना चाहते हैं। इसके लिए वक्त नहीं है, काम की बात करो। एक बार उनसे बात कर लीजिए पापा। प्लीज डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, मैं कॉन्फ्रेंस पर डालती हूँ। जयराज पापा लाइन पर हैं, बात करो। हाँ, नमस्ते अंकल, मैं जानता हूँ कि ऐसी बातें आमने सामने करना बेहतर होता है। कॉन्फ्रेंस कॉल पर बेटी का हाथ मांगना अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपकी पापा से बात कराता हूँ। पापा हेलो। जब देखो गप्पे मारते रहते हो। कोर्ट का कुछ काम था। ये लो गर्लफ्रेंड के बाप का फोन है। हेलो बोलो। हेलो। हेलो अंकल जी, आप बात कर सकते हैं, पापा लाइन पर ही हैं। हेलो, आगे बोलो ना। अंकल क्या आप लाइन पर हैं? हाँ मुझे आवाज आ रही है। हाँ हेलो। अरे आवाज आ रही है ना तो डेट फिक्स करो शादी की। अरे सब्र रख, मैं बोलता हूँ। हेलो हेलो अंकल, मैं एडवोकेट प्रकाश राज बोल रहा हूँ। अंकल आप बात कीजिए। मैं 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ। पापा की आवाज़ तो क्लियर है, आपको पापा की आवाज़ आ रही है अंकल? मुझे आ रही है, लेकिन मुझे वापस अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। ला दो मुझे, किसी काम का नहीं है। देविया। हाँ बोलो जयराज। तुम्हें मेरे पापा की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है, मुझे तो सिर्फ अपने ही पापा की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है। मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो फिर पापा की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा एक मिनट रुको, बात करो। हेलो, एडवोकेट प्रकाश राज बोल रहा हूँ। अब तुम्हें मेरे पापा की आवाज़ आई? ओहो, मुझे अब भी अपने ही पापा की आवाज़ सुनाई दे रही है। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पापा तो कॉल पे ही है ना? हाँ है। हेलो अंकल जी, अब आप ये क्या बचपना, फोन क्यों काट दिया मेरा? अब किसे कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड को ही। उसके पापा लाइन पर थे लेकिन हमसे बात नहीं करना चाहते थे। अब वो क्या चाहते हैं ये बात तो साफ है, वो ये रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहते, ये बात सच है। उन्हें बुरा लगेगा तो अपनी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू करेंगे, जिससे मैं बोलता हूँ उससे शादी कर ले जिंदगी। ऐसा तुम उससे कह दो, आगे मैं संभाल लूंगा ना, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, सब कुछ समझ जाएगी। दाल में कुछ तो काला है। लड़की के बाप का पता चला? हाँ उसका नंबर मिल गया। सुनिए जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप उसके लिए मुसीबत बनना चाहते हैं, लेकिन आखिर में हम ही मुसीबत में फंस जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, भगवान के लिए जिद छोड़ दीजिए ना, मेरे लिए मान जाइए, प्लीज मान जाइए। तुम उसे छोड़ने के लिए कह रही हो जिसने हमारे लड़के का दिल दुखाया? हाँ। सोच उसे हमें कैसे मारना है। ये क्या, बाहर से दूध का पैकेट क्यों नहीं लिया? वो रोज दिव्या लेती है ना, पर पता नहीं क्यों आज सुबह से मुंह लटका कर बैठी हुई है। मैंने तुम्हें सिर्फ उस लड़के से मिलने से मना किया है, घर से बाहर निकलने के लिए मना थोड़ी किया है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापा को फ्रेंड्स पार्क रेस्टोरेंट में लंच के लिए 2 कूपन मिली है,
अपने किसी फ्रेंड को लेकर वहाँ जाना। क्या कर रहे हैं ये? क्या अपनी सहेली के साथ जाएगी? ये पक्का उस लड़के के साथ वहाँ जाएगी और आप इसमें इसका साथ दे रहे हैं। मैं आपकी बेटी हूँ पापा, अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा शक बिल्कुल सही था, लड़कियां झूठी होती हैं, कभी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छी एक्ट्रेस होती हैं, कमाल की एक्टिंग की घर पे। अरे बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोन चिड़िया तो वहाँ पर है, मुझसे पूछ रही थी पार्टी कब आने वाला है। अच्छा तुम वहीं पर हो, ठीक है मैं आ रही हूँ। ये तो बताओ आज कौन सी जोड़ी तोड़ने वाले हैं? बॉस ये तो आपका बेटा है, पहली बार तो आपने गलती से किया था, इस बार जानबूझकर कर रहे हो। हालात ही कुछ ऐसे हैं। उसके साथ तो लड़की कौन है? ये लड़की, ये तो वही है ना जिसका हमने पिछले साल ब्रेकअप करवाया था, ये आपके लड़के के साथ घूम रही है। अगर इस लड़की का बाप मेरे हाथ लग गया ना तो उससे बात तो बाद में करूंगा, पहले उसके कान के नीचे बजाऊंगा। चुप कर। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? रेगुलर कस्टमर की बेटी। वो लोग आ गए, चल निकल। ये कूपन्स पापा ने मुझे दिए थे। कहाँ निकल गई वो? अभी यही तो थी। ये तो आ गए, वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई। ढूंढ के मैं ढूंढता हूँ। चल चुका है, अब तो कुछ राज नहीं रहा। यस मैडम, योर ऑर्डर प्लीज। अरे बाप रे आप। ए, तेरी मनहूस शक्ल को जानी पहचानी से लग रही है। तू वही है ना साड़ी की दुकान वाला? यस। इधर क्या कर रहा है? सर वहाँ जूस, यहाँ सूप। सर आपका ये प्रेम संबंध पिताजी को पता है कि नहीं? तेरा काम सूप देना ना, खिचड़ी क्यों पका रहा? जल्दी सूप लेकर आ। सर ये ठीक नहीं है सर। क्या सूप? नहीं सर ये अनोखी प्रेम का है। चल गल। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। बॉस आप यहाँ? मैं टेंशन में आके सुट्टा मार रहा था। वाकई बहुत टेंशन में हो। आपके सामने पी नहीं सकता ना इसलिए। अबे उसे ढूंढने कहा था लेकिन तू यहाँ झाड़ियों में सुट्टा मार रहा है। ढूंढूंगा ना। चल जल्दी। मैं जरा देख कर आती हूँ लाइव काउंटर पर क्या बना हुआ है। हाँ देखियो। पापा चलो चलो यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्यों क्या चलो, हुआ? बाद में क्या हुआ? चलो बताओ तो क्या हुआ? मेरे पापा हैं यहाँ। अच्छा तुम्हें बुफे का कूपन दिया और खुद यहाँ पर तुम्हारा पीछा करने आ गए? किसे फोन कर रहे हो? अपने पापा को। ए, उन्हें इस वक्त क्यों फोन कर रहे हो? ताकि दोनों पापा आमने सामने बात कर लें और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पब्लिक प्लेस में तमाशा होगा तो अच्छा लगेगा क्या? आज तो मैं घर जाके उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उसके बाद देखा जाएगा। अभी यहाँ से चलो ना प्लीज। मैं चाबी टेबल पे भूला हूँ, लेकर आता हूँ। अंदर जाके कोई तमाशा मत करना प्लीज प्लीज। हाँ अरे पंगा लेने नहीं जा रहा हूँ, सच में बाइक की चाबी नहीं है मेरे पास। प्लीज जयराज प्लीज। कहाँ हो सकती है वो? अरे मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं, वो आ गए क्या? हाँ आ गए। 3 नंबर टेबल, नाम जयराज है, सही है ना? हाँ सही है, जल्दी जाओ। सर अच्छा हुआ आप भी यहाँ पर हो। सर मुझे एक सच्चाई जाननी है। हाँ बोल। आपका बेटा आप ही की बेटी से प्यार करता है, आपको पता है? हाँ पता है, जा जाकर अपना काम कर। सब पता है। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। पेचीदा फैमिली है। रात को हे जयराज कहाँ थे इतने दिन? क्या बात है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। अब इस सैटरडे मेरा घर खाली है, बताओ क्या प्लान है? अरे वहाँ क्या देख रहे हो जयराज? ओ नई गर्लफ्रेंड बना ली, और वो तीसरी वाली उससे भी बोर हो गए क्या? और ये क्या क्लीन शेव क्यों नहीं हो तुम? ये दाढ़ी और मूछ नया स्टाइल है क्या? हाँ बहन जी। हाँ आप गलत इंसान पर बिल फाड़ रही हैं। जयराज तो कब का जा चुका है और जिसने आपको भाड़े पर रखा है वो आपको बुला रहा है वहाँ। जल्दी जाओ पेमेंट काट लेगा। बहुत जरा चाबी देना मेरी। हाँ थैंक यू। ओए टेबल नंबर 3 ही बोला था ना? टेबल तो सही था बॉस, लेकिन आपका बेटा वहाँ नहीं था। अभी तक तो यही था, कहाँ गायब हो गया वो? मिस्टर जरा अपने काम पर ध्यान दो, बेवजह कपल्स को अलग मत करो। थोड़ी देर रुको, वो जरूर आएंगे, हम तब शुरू करते हैं। एक चाबी लाने में इतनी देर लगती है क्या? अंदर सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं मेरे पापा भी हैं। लगता है दोनों ने प्लान करके हमें यहाँ पर भेजा है। कैसा प्लान? हम दोनों को अलग करने का प्लान। उन दोनों से और उम्मीद ही क्या है? लगता है मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से पैसे लिए। तो अब हम क्या करें? तुम कुछ मत करो, एकदम अनजान बनी रहना, घर पे भी कुछ मत कहना।
रात को बताता हूँ आगे का प्लान क्या है। दिव्या टाइम हो गया है खाना खाने का। दोपहर को पापा ने जो लंच कराया उसी से पेट भर गया। अब सुनिए आप तो खा लीजिए। मैं पहले ये पीऊंगा फिर खाऊंगा। दोनों को जो करना है करो, पुलाव बनाकर टेबल पर रखा है खा लेना। जरा सुनो ये पिछली बार से कम क्यों है? अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड आता है ना वो पी जाता है, आप भी ना रोज इतनी पियेंगे तो कम तो होगी ही ना। आजकल माँ और बेटी दोनों के तेवर बढ़ गए हैं। अरे यार इस बॉस को ना दिन में चैन है ना रात को सुकून। हाँ बॉस। कहाँ हो तुम? और कहाँ, हीरोज बार में हूँ बॉस। आज का प्लान तो फेल हो गया, कल के लिए कुछ अच्छा प्लान सोच कर रखना। बॉस आपके पास तो आइडिया का खजाना है। हाँ पर कुछ सूझ नहीं रहा, दो चार दिन से दिमाग काम ही नहीं कर रहा। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? ये बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आइंस्टाइन के खानदान से हो। बॉस आप चिंता मत कीजिए, एक क्वार्टर अंदर जाएगा धमाकेदार आइडिया बाहर आएगा। चुप कर, वो खत्म होते तो दूसरी ऑर्डर करेगा। तुझसे कुछ नहीं होने वाला, फोन रख मैं ही कुछ सोचता हूँ। अब ये नाटक मुझसे और नहीं होगा, कुछ करना होगा, सब कुछ सबको बताना होगा। सुनती हो? सुनो जागो भी। सोने दो ना मुझे, इस वक्त क्यों जगा रहे हो? ये भी क्या कोई वक्त है डिस्टर्ब करने का, चलो सो जाओ। अरे बाप रे क्या समझ रही हो, मुझे तुमसे जरूरी बात। तो कल बात करेंगे ना। कुंभकर्णी सोने के लिए पैदा हुई है। इतनी रात को सो रही हो? नहीं कपड़े सुखा रही हूँ। क्या इस वक्त? इस वक्त सोऊंगी नहीं तो क्या, बोलो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। घर नहीं आओगे यही कहना है ना? मुझे पता है, सोने दो मुझे, रख रही हूँ। ए, सुनो सुनो जान। जानू जानू दिव्या दिव्या जानू नीचे ही है, तुम जाओ जल्दी यहाँ से। तुमने तो कहा था पक्का दोगे, तुम जाओ ना यहाँ से। अभी क्यों अल्टी पल्टी कर रही हो? कब से कह रही हूँ तुम्हें, छोड़ मेरा हाथ। देखो तुमने कहा था कि तुम दोगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगा, वो आज घर पर ही है, अगर देख लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तुम मुझे दे दो मैं चला जाऊंगा। जाओ ना, जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों करती हो? जब भी मांगा है मैंने दिया ना, कभी मना किया है, पर अभी जाओ। सुनो ना मेरी बात, यहाँ से नहीं आज नहीं दे सकती। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने परसों ही दिया था ना। तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। जाओ यहाँ से। बिल्ली की फोटो वाली टी शर्ट कहाँ गई? जिस बिल्ली की थी वो ले गई। जान है जो तुम्हारा पति पिता है ना, जाओ उसे लेकर के। उस दिन तुमने पी थी ना, इससे उन्हें शक हो गया था, और नहीं दे सकती। जाओ ना तुम यहाँ। जरा सुनो ये पिछली बार से कम क्यों है? अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड आता है ना वो पी गया। मैं तुझसे जब भी कुछ मांगता हूँ तो तू ना 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 बोलती है। अरे वो सुन लेंगे। अरे मेरे पास तो छोड़ो मुझे, ताकि ये मर ही जाए। अच्छी खत्म कर दो, मारो ना, जान से मार डालो, मारो इसे। ऐसे घूर क्या रहे हो मुझे?
इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी मैं। ये काम ठीक से नहीं कर सकते, अभी तक जिंदा है ये। प्लीज लागे दो ना। देखो ये सारी हरकतें बंद करो और जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बस करो, जाओ यहाँ से। प्लीज मेरे लिए नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा नहीं दे सकते। क्यों नहीं समझते हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? जहाँ से आया हो वहीं से जाओ। करेक्ट करेक्ट। देख क्या रे, प्रकाश राज के घर का पाइप टूटेला है। मैं आता हूँ, बाय। ओके वापस आता हूँ। चलो क्या लफड़ा है, जब देखो वकील का पाइप टूटा रहता है। क्या सेठ जी, आपका घर का पाइप खराब है क्या? किसने कहा? वो जो आदमी रिक्शा में गया उसी ने बताया। पाइप के साथ साथ जिंदगी की भी लीकेज हो गई। सर कोई फालतू पानी निकाल रहा है, आप साइड में हो जाओ। अरे बजट में मैंने एक बहुत बड़ी जमीन ली है ना, तू जाने सोच रहा हूँ भैंसों का तबेला खोल। अरे शुरुआत में मुश्किल होती है, कहाँ पता है, सारा काम आसानी से होता है। ये सब क्या हुआ आपकी ये हालत? क्या हुलिया बना रखा है? मुझे तुम्हारे साथ जरूरी बात करनी है। पहले यहाँ बैठिए। सर पोछिए अपना। जानू मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हारे और हमारे बेटे के साथ धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा। मुझे भी माफ कर देना। पर किस लिए? मैं आपको अंदर बंद कर रही हूँ, शादी करवा कर आऊंगी फिर दरवाजा खोलूंगी। किसकी शादी होने वाली हमारे है? बेटे की और किसकी? रुको, ये शादी नहीं हो सकती, इसमें झोल है, दरवाजा खोलो। इसीलिए मैंने आपको अंदर बंद किया है। दरवाजा खोलो, बात सुनो। अरे बात सुनो, दरवाजा खोलो, ये शादी नहीं हो सकती। ए दड्डू देख के चल। अरे कोई है क्या, मुझे बाहर निकालो। अरे अगर बाहर कोई हो तो दरवाजा खोल दो, मुझे बाहर निकालो। माँ जल्दी करो, कितना टाइम लगा रही हो? जैसे तूने कहा था वैसे मैंने कर दिया है, लेकिन चिल्ला के पड़ोसियों को बुला लिया तो क्या करेंगे? कोई नहीं आएगा मदद के लिए, मुझे सब पता है। अरे जयराज भाई, लगता है तुम्हारे घर के अंदर कोई फंस गया है। मेरे ख्याल से कोई ऐरा गहरा होगा, लेकिन कौन हो सकता है? ऐरा गहरा नहीं, इसका बाप है। बाप को बंद कर दिया? अपने बाप को घर में बंद करके तुम लोग वैसे कहाँ जा रहे ले हो? उस्ताद पूछ रहे, इसका भी जवाब देना। अब तुझसे क्या छुपाना दगड़ू, एक पागल कुत्ते ने मेरे पापा को काट लिया है। मैंने म्यूनसिपालिटी में फोन किया तो बोले पापा को बंद करके रखना, इसीलिए उन्हें बंद करके रखा। क्या बात कर रहा है यार? और क्या, हम लोग ये बारात लेकर म्यूनसिपालिटी के ऑफिस ही तो जा रहे हैं दगड़ू। अच्छा एक मिनट रुक, म्यूनसिपालिटी की ऑफिस इतना सजदस के काहे को जा रहा तू? और ये छोकरी कौन बैठी है अंदर? तुझे दूसरों के काम में नाक घुसाने का बड़ा शौक है ना, एक काम कर, जा घर जाके दरवाजा खोल ले। तुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मैं काहे को जाऊं? देख दगड़ू घर की बात है, इसका ढिंढोरा मत पीट देना। बस क्या, तूने अपन को बोल दिया ना तो बात खत्म हो गई। चल भाई। ए, 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 दगड़ू दगड़ू इधर आना। क्या? सर दरवाजा खोलिए ना। दगड़ू सर प्लीज। घंटा खोलेगा, याद है ना तेरे को उस दिन क्या हुआ था? पीने के लिए जो क्वार्टर रखा था उसे पुलिस उठाकर ले गई। तेरे को मैंने कोर्ट में केस डालने के लिए बोला, लेकिन तूने क्या किया, मेरे को नखरा दिखाया, फांसी लगा के मर जा। तूने किया ही क्या मेरे लिए? रुक जा, अभी तेरी कहानी का दी एंड करता हूँ। रुक, ए, 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 दगड़ू, ए, दगड़ू, ए, रुक जा। ये महान महानगर पालिका है जिसके बीच में एक आदमी रहता है जो अपने आप को एडवोकेट बोलता है लेकिन कुछ काम का नहीं है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसका नाम प्रकाश राज है, उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग, मैं क्या फालतू में बक रहा हूँ? कुत्ते ने पिछवाड़े के बीचों बीच में काटा था। ए, ए, दरवाजा नहीं खोलना है तो मत खोल, अपना मुंह बंद रख, बेवड़ा कहीं का। अच्छा सुन, किसको काटा, मतलब वो कुकुर किसको काटा? यहाँ से तीन गली छोड़कर चौथा घर। तीन गोली छोड़ के चौथा घर? अरे वही एडवोकेट प्रकाश राज, नहीं समझे, जिसका बेटा गाना गाते फिरता है। गान गान ओ, उसका बाप भी एडवोकेट है। एडवोकेट? हाँ। घर कौन सा है? अरे घर तो यही है, देख ना तेरे सामने है, गेड़े की तरह बात कर रहा है। वो वाला घर? हाँ। तो वो कुकुर का हालत कैसा है? यही गाड़ दूंगा तेरे को, मैंने तेरे को घर बता दिया, बंदा बता दिया, अब दिमाग खराब काय कर रहा है, उठ ले यहाँ से। अरे मेरे लाल,
मुन्ना फोन उठा, फोन उठा। सुधर जाओ पापा। किसका फोन आ रहा है माँ? अरे पापा फोन कर रहे हैं। काट नहीं 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 कट मत कर लाओ मुझे तो। पंटरो पापा को कॉल संभालो। हेलो हेलो धा 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 ए चुप रहो बेटा राधा। अरे मेरी बात सुनो। अरे यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बाप रे ये तो पापा का कॉल है। मैंने दोनों फोन तो बंद कर दिया, अब कैसे कॉल कर सकते? नहीं नहीं मेरे पापा। शादी होने तक किसी के भी पापा का फोन उठाना मना है। क्या हुआ माँ? बेटा शादी के लिए हार तो चाहिए ना। सही बोला पंडित जी। कौन बोला? किसने पुकारा मुझे? यूटर्न मारी यूटर्न। क्या हुआ आपकी ये गर्दन टेढ़ी क्यों है? टेढ़ी इसलिए है कि कल एक घनचक्कर ने पैर में गाड़ी चला दी। मैंने उससे कहा अंधा है क्या, इतनी सी बात पे गुस्सा के उसने कान के नीचे धर दिया। ये सब छोड़ो तुमने मुझे क्यों पुकारा। किस सोच में पड़ गए जजमान? यही सोच रहा हूँ कि आपको रोका ही क्यों। इन दोनों की शादी करवानी है। रसीद कहाँ है? कौन सी रसीद? परमिशन वाली ऑफिस से मिलती है ना। अरे लड़का लड़की राजी रसीद क्यों चाहिए? मुंह उठाकर चले आए यहाँ। रूल्स वगैरह की तो जानकारी है ही नहीं आपको। विवाह से पूरे 21 दिन पहले यहाँ आकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद गांव के सरपंच का एनओसी लाओ। एनओसी के लिए भी आपको एक रसीद मिलेगी। वो रसीद होगी तभी विवाह हो पाएगा। ये बात किस मूर्ख ने कही? उसके बिना भी सब होता है। मंगलसूत्र और दो हार लेकर मेरे पीछे चले आओ। चलो आओ माँ। फोन कहाँ फेंका मैंने? एक एक करके आओ और इंसान को कुत्ता बनते देखो। लगता है सच में इसे पागल कुत्ते ने काट लिया। हेलो। कहाँ है तू? पहले ये बता कि तू कौन है। तेरी बेटी के बॉयफ्रेंड का बाप बोल रहा हूँ। वो भी मैं ही हूँ पक्का मार। अरे बाप रे बाप। कान खोल के सुन ले। मिलने पर खाल उधेड़ दूंगा तेरी। अबे सुन बे, अगर वो सच में तेरा बेटा होता तो तू मुझे पहले ही खत्म कर चुका होता। शायद तेरे बेटे को पता नहीं कि उसका असली बाप है कौन। ए, बता कहाँ है तू? मैं अभी आकर तुझे काट डालता हूँ। हाँ, ऐसा फट्टू बाप किसे चाहिए जो फोन पर धमकाता हो। वहीं रुक तू। ए, 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 ए। अगले 10 मिनट में आ सकता है तो आ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दोबारा फोन करके मत पूछ कि कहाँ गया हूँ मैं। ठीक है आ रहा हूँ मैं, चला जा। चल फोन रख। अरे उधर कहाँ जा रहे बॉस? सीढ़ी इस तरफ है, इधर आइए। चले चले चले। के साथ आंखें भी चली गई क्या? चुप रह। बॉस आ गए। बॉस छोड़ेंगे नहीं, बहुत मार खाएगा। चल जल्दी चल। आजा चल। क्या बात है विकास, नई बाइक की पूजा करवाई है? हाँ पंडित जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये इतना गरीब था कि शर्ट के भी पैसे नहीं थे। मेरे कहने पर इसे मंदिर में नाई का काम मिला। मुंडन जैसे काम में भी रिश्वत ले लेके आज देखो ये बाइक ले आया। मुझे देखो, मैं आज तक टीवीएस मोपेड चला रहा हूँ, फूटी किस्मत। माँ ये पंडित तो लालच का पुजारी है, इससे शादी कराना ठीक नहीं होगा, किसी चर्च चलते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा। ओ पंडित जी बातें खत्म हो गई तो आइए। हाँ हाँ बिल्कुल चलिए। चलो नजर रास्ते पर रखो पंडित जी। डॉक्टर एडवोकेट का खाना मेरे को फॉलो करो। इससे तो कुछ पूछा भी नहीं, एड्रेस बता रहा है। चलो लगता है वो अंदर तैयार बैठा है। बी रेडी। पियर मैं रेडी करता हूँ। हाँ लेकिन अगर पीने बैठ गए तो वो भाग जाएगा बॉस। पहले उसे टपकाएंगे, फिर बियर की बोतल गटकाएंगे और यहीं पर वो बोतल भी फोड़ देंगे। अरे आराम से, काहे को चल रहे हो यार, जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे जल्दी। यही उसका घर।
अगर इसके ऊपर गया ना तो लग जाएगी मेरी बात, अगर और ऊपर किया तो पड़ जाएगी तुझे लात। चलने चलकर चला, अंदर चलते हैं। संभाल के जाना, पागल कुत्ते ने काटा है पता है ना। बस इधर तो ताला लगे ले। फोन कर उसे। हाँ। मुझे रिंग सुनाई दे रही है, ये एडवोकेट बेवकूफ है। ए, वो अंदर ही है, तोड़ दे दरवाजा। तोड़ डाल। ए, वो इसी घर में है, कोना कोना छान मारो, जा ढूंढ उसे। बॉस, बॉस, क्या? मैंने उसे देख लिया। कहाँ देखा? देखो ये रहा। हाँ? अबे तेरी तो, उस तरफ देखो। कौन है बे? हैं? मैं यहाँ छुपकर बैठा हूँ। दिख रहा है तू मुझे? तो मेरी मदद कर दो। वैसे तो मैं कुछ काम से आया था, लेकिन तू बोल रहा है तो मदद करता हूँ। अच्छा कोट चाहिए? अच्छा तुम लड़के के बाप हो ना, तो फिर लड़की के बाप के घर में क्या कर रहे हो? लो इससे ढक लो। अबे इसे ही तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, काम आ जाए। पकड़ो उसे, पकड़ो। तू मेरी तरफ से या उसकी तरफ? क्या किया? पकड़ो उसे। अबे चलो चलो जल्दी पकड़ो। अरे रुको 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 रुको, जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं वो है लड़की का बाप, और जो गया वो लड़के का बाप है। ए वो लड़की का बाप है या लड़के का, पहले पकड़ो उसे। चलो आ जाओ। चलो और अमोल स्पेशल पूजा। गेट बंद हो जाएगा, जल्दी जाओ। हाँ पता है पता है। सुनो, इस मंदिर में पूजा करवाने के सिर्फ 5 रुपए लगते हैं। ये भक्तों को कहता है कि मैं जाकर पास से तुम्हें मूर्ति की पूजा करवाऊंगा और 500 रुपए ले लेता है। शहर में बड़ा सा घर भी बना लिया है और गृह प्रवेश में मुझे ही नहीं बुलाया। बोलो। अगर बुला लेता तो आप वहीं पर उसको बद्दुआ देना शुरू कर देते। देखो आप पंडित हो या मुंशीगिरी बंद करो, हिसाब किताब मत बताओ, मुझे शादी करनी है। वही तो मैं करवा रहा हूँ। हर बार ये मुझसे बच जाता है, आज उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, देख किसका फोन है और बता दे मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ। हेलो, शंकर बोल रहा हूँ। हाँ बॉस किधर है? देखो बात ऐसी है, बॉस की बेइज्जती हुई है? किसी ने उन्हें फोन करके कहा कि इतने बदसूरत आदमी का बेटा इतना हैंडसम कैसे होगा। क्या वो सच में तेरा बेटा है या किसी और का बेटा है? ये बात सुनते ही बॉस की तन बदन में आग लग गई और एम्बुलेंस लेके उसके पीछे पड़ गए। अबे सुन, इतना ही कहना था कि मैं पीछा कर रहा हूँ, मेरी इज्जत का फालूदा क्यों निकाल रहा है? थोड़ा रुक जा, तू तेरी अच्छी तरह से खबर लेता हूँ। अब तुझे क्या बताऊँ, उनमें लगी आग से काला धुआं भी निकल रहा है। पंडित जी, यहाँ पर तो सारे मंडप हाउसफुल दिख रहे हैं मुझे। तो पीछे तालाब के पास कर लेंगे, वहाँ पर तो अंतिम संस्कार किया जाता है ना। तुम अंतिम संस्कार वाले पंडित तो नहीं? सारे काम करने पड़ते हैं जी, न्यूज़पेपर भी डिलीवर करता हूँ, उससे क्या मतलब। चलो मंडप ढूंढते हैं, आजा कोई तो मिलेगा। बड़े भैया मंडप मिलेगा? जिस जोड़ी की मुझे शादी करवानी थी वो अभी तक आई नहीं है, तो फिर पंडित तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। वो क्या है ना, मंडप से दुल्हन भाग गई, वो देख के दूल्हे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब तो मंडप पूरा फ्री है तुम्हारे लिए, जो करना है कर लो। सुसाइड अटेम्प्ट? अब क्या करें? बैठ जाओ। अबे जिस मंडप के दूल्हे ने सुसाइड कर लिया उसी मनहूस मंडप में बैठने के लिए बोल रहा है। 44 नंबर है, 4 और 4 8 होता है, बहुत ही शुभ नंबर है, कौन नहीं जानता। बैठ जाओ। ए, मंदिर सोच के उस पर रहम मत करना, उसने गलत किया है। ए, अभी तो यही था, कहाँ गायब हो गया वो? बॉस, मैं उसको कचागच कचागच कचागच। डायलॉग बाद में मार, पहले ढूंढ उसे। जा जा। लेकिन बॉस वो मंदिर में क्यों आया होगा? भीख मांग रहे हैं तो जा देख। सुनो बॉस, क्या हुआ? मिला तो छोड़ेंगे नहीं उसको, ढूंढ उसे नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा। सारे भिखारियों को चेक कर लिया, नहीं मिला वो। चाहिए ढूंढ उसे, कहाँ है? जो नंबर आपने डायल, ये भी ना। अजी सुनिए। हाँ, मुझे बुलाया क्या? आपको नहीं, अपने पति को बुला रही हूँ। सुनिए, कहाँ गया? सुनिए, वो भाग गए, जल्दी आओ। शुक्लाम वर्धनम, शुक्लाम वर्धनम, विष्णुम, विष्णुम, शशि वर्णम, शशि वर्णम, पंच वर्णम, पंच वर्णम। कॉफी दे दो, कॉफी दे दो। गरम है ना? हाँ जी। कॉफी है क्या? मैं भी ले लूँ बहन जी। कॉफी पीते पीते शादी करवाएंगे क्या? कॉफी तो पी रहा हूँ पर मन में मंत्र चल रहा है, चिंता मत कीजिए। आपके मन की बात हमको कैसे सुनाई देगी? मन की बात अगर सुन भी ली तो तुम लोग क्या खाक समझोगे? बोलो, रिटायरमेंट का वक्त आ गया तेरा, कॉफी पिएगा। शुक्ला मंत्र पढ़,
विष्णुम शशिवर्णम शशंतवर्धनम प्रसन्नवर्धनम ध्यायेन सर्वव्यापी शिव। तीन ही मंत्र आते हैं कि कब से यही बोले जा रहे हो? देखना फिर से वही बोलना चालू करेगा। प्रसन्नवर्धनम शुक्लांवर्धनम विष्णुम शशिवर्णम प्रसन्नवर्धनम शुक्लांवर्धनम विष्णुम। चल देख कहाँ गया, उल्टे रास्ते से भाग रहे हो बॉस। चलो जल्दी चलो, आओ आ जाओ। अरे बच्चों की तरह खाली फोकट रैली में क्या बोल रहे हो? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। वाह पंडित जी, अचानक सारे मंत्र फ्लो में बोलने लग गए। फोन पे पापा बता रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी मेरी शादी निपटाइए ना। खोलो, अरे मुझे बंद क्यों कर रहे हो? खोलो खोलो दरवाजा। बस कर, दरवाजा खोलो। मुझे अपनी बेटी से तो अलग कर दिया, अब इन्हें तो एक साथ खुशी से रहने दे, उसको भी बर्बाद करना है। दरवाजा खोल दो। तू यहाँ अंदर ही सड़। सुनिए माता जी, सबके हाथ में फूल दे दीजिए। ओए जल्दी शादी करा वरना दक्षिणा नहीं मिलेगी। मंगल ध्वनि आरंभ करो। मांगल्यम तंदुनानेना मम जीवन ये तुना, मांगल्यम तंदुनानेना मम जीवन ये तुना। रुक जो, जो शादी मंडप नंबर 44 पर हो रही है उसे रोक दो। मंगल ध्वनि चालू रखो। इस तरह की शादी हमारी संस्कृति के खिलाफ है, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। ये तेरे पापा की आवाज है, तू मंगल सूत्र पहना। अरे अरे हटिए ना पंडित जी, हटिए। कहाँ जा रहे हो? अरे हट जा। मंगल्यम स्टॉप। पापा। अरे ये तो मेरे पापा है। हाँ? नहीं नहीं, ये मेरे पापा है। हटो, हटो। नहीं, ये मेरे सगे पापा है। ये पापा है कि पाप? किसका पापा है पापा, लड़की या लड़के का? तू सोच क्या रहा है? वो जो हरी साड़ी में खड़ी है वो मेरी पहली पत्नी है। हरी साड़ी वाली तेरी पहली बीवी है, तो बेहोश ये क्यों हो गई? क्योंकि ये मेरी दूसरी पत्नी है। अरे पहली शादी करने के बाद दूसरी शादी करके मैंने दोनों पत्नियों को धोखा दिया, इसी की मुझे सजा मिली। हकीकत में जयराज और दिव्या दोनों भाई बहन हैं। ये तेरी तीसरी बीवी है क्या? ये मेरी पत्नी है, जो भी बेहोश हो जाएगी इसकी पत्नी थोड़ी है। गलती हो गई। भाग्यवती उठ जाओ, भाग्यवती उठो जानू। अरे ऊपर वाले लाख लाख शुक्र है। भैया भैया बेटे, दरअसल वो बहन की शादी देख कर जाओ। बहन की टेंशन में बेचारे। अरे ए पंडित चल फोन लगा, मंत्र पढ़ जल्दी से, जल्दी करा। चल चल सोच के रहा है पंडित जी, जल्दी शादी करो या मरो। तुमने मुझसे चीटिंग की, क्यों किया ऐसा? बताओ मुझमें क्या कमी थी, बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? रुक जाओ, रुको। तुम क्यों रुक गई? तुम मार सकती हो। सिर्फ ये मार सकती है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है? तुमने भी तो दिया है। मैंने कब धोखा दिया?
छत पर ब्योड़े के साथ रंग रलिया मना रही थी। कौन था वो? दूल्हे भाई, दूल्हे भाई, आपकी शादी हो गई क्या? हाँ समझो सब खत्म ही हो गया। अरे सुनो तो, अरे एक मिनट, अरे तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? हाँ अबे तू है कौन? वो मेरा बड़ा भाई है। क्या बड़े भाई? हाँ बड़ा भाई, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो वो चोरी छुपे तुमसे मिलने क्यों आता है? ध्यान से सुन रहा, मैं बताता हूँ। जब हम दोनों छोटे थे हमारे माँ बाप गुजर गए। मैं और मेरा बड़ा भाई बचपन से अनाथ थे। मैं अक्सर उधार के पैसों से जुआ खेलने के लिए शहर के बाहर जाता था। वो किसी काम का नहीं है, सारा दिन शराब पीता है और जुआ खेलता है। मेरी बहन शुलापुर के कोर्ट में टाइपिस्ट की नौकरी करती थी। और वही मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। मैंने हमेशा आपसे ये बात छुपाए रखी और बाद में हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपनी बहन को हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली। तभी मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया। हम दोनों बहुत खुश थे और वो प्रेग्नेंट हो गई। हॉस्पिटल में जब वो डिलीवरी हो रही थी तो मुझे मेरी वहाँ पर बहन मिल गई। और देखो उसकी भी डिलीवरी हो रही थी। मेरी फूटी किस्मत, डिलीवरी के समय बीवी तो ऑफ हो गई, बच्चा ऑन रह गया। मेरी बहन किस्मत वाली थी, बच्चा तो नहीं बच पाया लेकिन वो किसी तरह बच गई। फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, उसने कहा कि तुम एक बेवड़े हो, बच्ची का ख्याल नहीं रख पाओगे। डॉक्टर ने कहा बच्ची को बहन के पास छोड़ दो तो वो उसका ख्याल रख लेगी। मैंने जिंदगी में पहली बार सही फैसला लिया था। ये कहानी तुम्हें बड़ी घिसी पिटी लग रही होगी पर यही सच है। दिव्या मेरी बेटी है। मतलब मैं उससे शादी कर सकता हूँ? हाँ करो ना, मैं तो कन्यादान करने को तैयार हूँ। अबे ब्यावड़े, इतनी लेट क्यों आया? तुम लोग ये सस्पेंस बताने क्लाइमेक्स में क्यों आते हो? थोड़ी देर पहले नहीं आ सकता था? ये रोको, ये शादी रोको रे, ये रोको शादी रोको, रोको रोको रोको, ये शादी नहीं हो सकती। ये दूल्हे को डांबर में नहला के क्यों लाए हो? टाइम पे आए हो। ये तो कोई और जोड़ी है, वो तुम कहाँ गए? खुल के दक्षिणा दीजिए। ये रहा मेरा हाथ। अभी बिगाड़ता हूँ तेरी बात। दूल्हे राजा, बस शादी संपन्न हो गई, दूल्हा दुल्हन का मुंह मीठा कीजिए। हाँ पूरा पीना पड़ेगा। मुबारक हो। ए दूल्हे राजा, उन्हें चैन से जीने दो ना दूल्हे राजा। कौन? मैं? अबे बेवड़ो के सरदार, इतनी दूर से तू मेरी जिंदगी में खलबली मचाने आ गया और कहता उन्हें चैन से जीने दो? तेरी आज के बाद कोई मुझे ढूंढने मत आना। मेरा परमानेंट एड्रेस है मैखाना। मैखाना? मुझे भी तुम्हारे साथ है आना। ए, नहीं होगा यार मुझसे, ये शादी वादी में गाना मेरी बस की बात नहीं है। क्या बोल रहे हो? करो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको? दिल का प्रॉब्लम है। एक सलाह दूं, मानोगे? माना करूंगा तो वैसे भी तो मानेगा नहीं, बताएगा ही। तो बोल दे। फैन का स्विच ऑन करके अगर आप टीवी ऑन होने की उम्मीद रखेंगे तो क्या वो ऑन होगा? लाइफ भी वैसी होती है जो हुआ। माफ कर दो भाई, गाता हूं। बस ज्ञान का टॉर्चर मत दे, ठीक है? अब जा, जो डांस मैंने सिखाया ना वो कर जा। थैंक यू। अरे थोड़ा पानी पिला ना। हाँ मजा आ गया भाई। हाय जयराज। तुम बहुत अच्छा गाते हो। थैंक्स। प्यार में धोखा खाया क्या? ओह, तो अब क्या तुम मेरी तरफ भी नहीं देखोगे? तुम हो कहाँ की? पंडरपुर। ओह पंडरपुर। पापा का नाम क्या? राज। राज। ये कौन है? हाँ ठीक है। पापा का फोटो तो होगा ना? फोटो क्यों देखना है, वो खुद ही आने वाले हैं। मेरे हिसाब से वो है। आइए सर, आपका इंतजार था। अकेले? हाँ, वो चश्मा पहन के जो खड़े हैं ना पापा। बेटी को देखा मैंने। हाँ? मेरे पापा। प्रकाश राज, जयराज, पंडरपुर की अदालत। मुझे जीने नहीं दोगे ना?